हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने आईआर का फोर्थ यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम फिफ्थ यूनिट देख रहे हैं, जो कि भारत और इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के आसपास के जो भी देश हैं उनका भारत से क्या संबंध है। उसमें से पहला है, महत्वपूर्ण देश है यूएसए, इसके बारे में देखते हैं। चीन को पीछे करके यूएसए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बन गया है, यानी कि व्यापार भागीदार देश। इसको टर्म को याद रखिए, व्यापार भागीदार देश का मतलब ये नहीं है कि भारत एफडीआई, इसको आप ना समझ लीजिएगा कि यूएसए से सबसे ज़्यादा एफडीआई आती है भारत में। व्यापार भागीदार का मतलब होता है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, इन दोनों के बीच का जो टोटल होता है, मतलब मान लेते हैं 10 रुपए का इम्पोर्ट किया, 20 रुपए का एक्सपोर्ट किया भारत ने यूएसए के, तो टोटल 30 रुपए का इसमें वैल्यू बनता है। तो इसे कहेंगे कि दोनों देशों के बीच में इतने का व्यापार हुआ। इस मामले में यूएसए भारत के साथ शीर्ष का कंट्री बन चुका, इससे पहले चीन था। अब इसमें दूसरा फैक्ट देख लेते हैं कि यूएसए मॉरिशस को पीछे छोड़ते हुए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का, यानी एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन है? भारत की एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है यूएसए। जब दूसरा सबसे बड़ा यूएसए है तो पहला कौन है? फर्स्ट है सिंगापुर, पहला है सिंगापुर, दूसरा तो यहीं पर हम पढ़ ही रहे हैं यूएसए, तीसरा देश है मॉरिशस, फोर्थ है सिंगापुर, फर्स्ट यूएसए, सेकंड मॉरिशस, थर्ड, फोर्थ है नीदरलैंड। ये याद रखिएगा, नीदरलैंड। जनरली इसी में हम लोग कन्फ्यूज होते हैं कि नीदरलैंड छोटा सा देश है, इससे कितनी ज़्यादा एफडीआई आती होगी, लेकिन नीदरलैंड फोर्थ नंबर पे है और फिफ्थ नंबर पे है यूके है, हाँ, यूनाइटेड किंगडम फिफ्थ है और सिक्स्थ पे है जापान। इनका सीक्वेंस याद रखिएगा, फर्स्ट पे है सिंगापुर। एफडीआई के मामले में हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से आती है। सबसे ज़्यादा आती सिंगापुर से, दूसरे नंबर पर है यूएसए, तीसरे नंबर पर है मॉरिशस, चौथे नंबर पर है नीदरलैंड, पांचवे पर है यूके और छठे पर है जापान। इसको आप याद रखिएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय एफडीआई के लिए शीर्ष 5 निवेश गंतव्यों में से एक है। यानी कि भारत की जो एफडीआई जाती है वह उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय एफडीआई के लिए शीर्ष 5 निवेश गंतव्यों में से एक है। यानी कि भारत की जो कंपनियां विदेशों में पैसा लगाती हैं, जैसे भारत की कंपनियां हैं ये विदेशों में पैसा लगाती हैं, तो उनमें से शीर्ष 5 ऐसे देश हैं जहाँ पे वो कंपनी, भारत की कंपनियाँ पैसा लगाती हैं, उनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका एक है। उनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका एक, पहला नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि शीर्ष 5 में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका है जहां भारतीय कंपनियां पैसा लगाना पसंद करती हैं, तो उसे भारतीय एफडीआई कहते हैं। रक्षा क्षेत्र में क्या सहयोग है इन दोनों देशों के बीच में? न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन पर इनका रक्षा सहयोग आधारित है, जिसके प्रावधान क्या है, इन्होंने 2016 में भारत को अपने प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी थी। अमेरिका ने 2016 में प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी थी और दोनों देशों ने निम्नलिखित रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इसमें से लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगस्त 2016 में है। ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज ये रिलेटेड होता है मिलिट्री, हालांकि है तो रक्षा सही होगी, लेकिन लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है मिलिट्री यूज के लिए जो भी वस्तुएँ लगती हैं, जैसे फ्यूल हो गया या कि फिर किसी भी मिलिट्री वाहन को कहीं किसी पोर्ट पे ठहरना है, रेस्ट करना है, किसी और अन्य खाद्य वस्तुओं की ही कमी हो गई, जैसे कोई भी नेवल जहाज़ है उसमें खाद्य वस्तुओं की ही कमी हो गई, तो वो किसी यूएसए से समर्थित किसी भी नेवल बेस पे रुक के अपनी खाद्य आपूर्ति भी सुनिश्चित करवा सकता है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड रहता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम।
दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भी होते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है युद्ध अभ्यास और एक का नाम है वज्र प्रहार। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार जो सैन्य अभ्यास होते हैं ये भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। 2019 में तीनों सेनाओं को शामिल करते हुए सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रंप आयोजित किया गया। भारत और यूएसए के बीच में टाइगर ट्रंप एक युद्ध अभ्यास किया गया था जिसमें भारत की नौसेना थल सेना और वायुसेना, ये तीनों सेनाएं शामिल थीं। इसको क्या कहते हैं? टाइगर ट्रंप भारत की तीनों सेनाओं को सम्मिलित करते हुए यूएसए की तीनों सेनाओं के साथ एक युद्धाभ्यास है टाइगर ट्रंप। और नॉर्मली जो एक एक सेना के साथ करते हैं, जैसे थल सेना के साथ करते हैं युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, ये कंबाइंड रूप से तीनों सेनाओं को शामिल करके नहीं किया जाता, लेकिन टाइगर ट्रंप तीनों सेनाओं को कंबाइन करके किया जाता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या सहयोग है? इन्होंने निसार नामक, मतलब इंडिया क्या है, इसरो स्पेस एजेंसी और यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा, इन दोनों मिलके एक निसार नाम का उपग्रह विकसित करने की योजना बना रहे, मतलब विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं, अभी इसमें काम चालू है। यह एक संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह निसार, NISAR निसार। प्रवासी भारतीय लोगों का आपस में संपर्क क्या है? भारतीय अमेरिकी 3.1 मिलियन लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में तीसरे सबसे बड़े एशियाई निर्जातीय समूह के हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में कई बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे सहयोग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र, G20, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, आसियान देश और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन आदि देशों में ये दोनों म्यूचुअली एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट आता है 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग का मतलब क्या होता है? एक टू का मतलब होता है कि जैसे ये अभी हम भारत और अमेरिका के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो भारत के दो मंत्री हो गए, एक होंगे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, और इस टू का मतलब हो गया अमेरिका के विदेश मंत्री और युद्ध मंत्री। अमेरिका में रक्षा मंत्री नहीं होते, युद्ध मंत्री होते हैं। तो विदेश मंत्री और ये मतलब भारत के दो मंत्री और अमेरिका के दो मंत्री, ये दोनों मिलकर 2+2, इसको इसीलिए इसको कहते हैं 2+2 डायलॉग। ये भी Washington DC में आयोजित किया गया था। दोनों देश वर्ष 2023 में भारत की सह मेजबानी में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस और इंडो पैसिफिक आर्मी मैनेजमेंट सेमिनार के आयोजन के लिए उत्सुक है। ये इसे एग्जाम में MCQ नहीं बनाएगा। दोनों देश यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा समर्थित कोविड-19 लर्निंग एक्सचेंज वर्चुअल प्लेटफॉर्म विस्तार के लिए तत्पर हैं, ताकि अधिक से अधिक जनसंख्या के लिए कार्यक्रमों को शामिल किया जा सके। नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर राडार निसार, जो अभी हम ऊपर देख रहे थे निसार, ये नासा और इसरो ये दोनों से मिलके बना हुआ है, मतलब दोनों का एक म्यूचुअल कोऑपरेशन है। निसार उपग्रह जो कि एक निगरानी उपग्रह है, इस पर भी चर्चा की गई है 2+2 डायलॉग में, और 2023 में भारत से लॉन्च किए जाने की योजना है। रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल को पुनर्जीवित करने पर भी विचार किया गया, इसमें अत्याधुनिक नई उभरती और अति महत्वपूर्ण सैन्य प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त परियोजनाएं शामिल हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापारिक पहल के तहत एयर लॉन्च मानव रहित व्हीकल, एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसमें इम्पोर्टेंट इस पूरे जो अभी हम पढ़े इसमें से शायद ही MCQ बनाए, लेकिन MCQ इससे बना सकता है, CATSA, CAATSA, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, इससे MCQ बन सकता है कि CATSA है क्या, इसका संबंध किससे है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक विधायी संशोधन पारित किया, इसके तहत CATSA के तहत लागू आर्थिक प्रतिबंधों से भारत को छूट दी गई, इसलिए यह न्यूज में था। अब ये CATSA का काम क्या करता है? यह चार देश को प्रतिबंधित करता है अन्य देशों के साथ में किसी भी तरीके का सैन्य समझौता करने से। वो चार देश कौन कौन से हैं? रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान, सॉरी चार देश नहीं तीन देश, यूएसए प्रतिबंधित करता है किन से? रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इन तीन देशों से
कोई भी अन्य देश, इन तीन देशों से कोई भी अन्य देश अपना कोई भी सैन्य समझौता ना करें, सैन्य समझौता ना करें, इसलिए इसलिए अमेरिका ने काट्सा CAATSA काट्सा नियम लाया है। रूस, नाम याद रखिएगा, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इन चार देशों पर कोई भी सैन्य समझौता करने वाले देशों को दंडित करता है। दंडित करने का मतलब नहीं कि आक्रमण कर देता है, वह आर्थिक प्रतिबंध लगाता है उन देशों पे। जैसे भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल ले ली, अब अगर भारत को इससे छूट न दी गई होती तो भारत पे आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते अमेरिका के द्वारा। ये काट्सा का मेन उद्देश्य यही है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए एक समझौता किया था, इसी कारण अमेरिका ने भारत पर काट्सा एक्ट के जरिए आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। उल्लेखनीय है कि मिसाइल रक्षा प्रणाली चीन जैसे आक्रामक देशों को रोकने में सहायक हो सकती है। काट्सा को 2017 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग करके रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ सैन्य समझौता करने वाले देशों को दंडित करना। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें टर्म ये है कि काट्सा एक्ट केवल S-400 तक ही सीमित नहीं है, यह रूस के साथ भविष्य में हथियारों के विनिर्माण या विकास के लिए अन्य संयुक्त उद्यम या किसी अन्य प्रकार के प्रमुख सैन्य सौदों पर भी लागू हो सकता है। मतलब यह सिर्फ S-400 तक ही सीमित नहीं है कि S-400 खरीदे इसलिए काट्सा लग गया, अन्य किसी भी प्रकार के प्रमुख सैन्य सौदों पर भी यह लागू हो सकता है। अमेरिका ने तुर्की पर भी S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए काट्सा के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। S-400 के बारे में देख लेते हैं। S-400 क्या है? यह सतह से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइल है, सतह से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइल है, और यह लगभग सभी प्रकार के हवाई हमलों से बचाव में सहायता करती है। ड्रोन हो गया, मिसाइल, रॉकेट, यहाँ तक कि लड़ाकू जेट को भी यह S-400 मार गिराने में सक्षम है। अब देख लेते हैं भारत और जापान। जापान भी पैसिफिक ओशियन में ही आता है, इसके बारे में देख लेते हैं कि अब ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि भारत और जापान के राजनयिक संबंध स्थापित हुए, 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग क्या है दोनों देशों के बीच में। 2011 में दोनों देशों ने एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जो अब तक जारी है। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तो कब? 2011 में। जापानी आधिकारिक विकास सहायता के जरिए जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दान करता है। यह भारत की कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे को सहायता प्रदान कर रहा है। जापान भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। इसने पिछले 2 दशक में लगभग 35 बिलियन FDI, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत और जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन देश मिलकर शुरू किए हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। इसमें USA नहीं है, इसमें USA शामिल नहीं है, ये याद रखिएगा, USA शामिल नहीं है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में। यह लगभग कुल मिला के चीन के खिलाफ किया गया है सप्लाई चेन को व्यवस्थित रखने के लिए। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक समझौता है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। G4 के रूप में जर्मनी और ब्राजील के साथ मिलकर भारत एवं जापान UNSC की स्थायी सदस्यता की दिशा में अग्रसर हैं। इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान के एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA एक लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स, इसका नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स मिशन पर एक साथ काम कर रहे हैं। इसमें MCQ ऐसे बना सकता है कि लूपेक्स मिशन किन किन एजेंसियों के बीच में है, तो यह इसरो और JAXA जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, तो इन दोनों एजेंसियों के बीच में है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स, इसका नाम है, इस पे काम कर रहे हैं। लूनर का मतलब क्या है? चंद्रमा, तो चंद्रमा के पोलर भाग यानी कि उसके सुदूर दक्षिणी ध्रुव पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जनरली कोई उपग्रह नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको एक्सप्लोर करना, दक्षिणी भाग को एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है लूपेक्स LUPEX भारत और जापान की स्पेस एजेंसियों के द्वारा। इस मिशन के लक्ष्य 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवों पर एक लैंडर और रोवर को भेजना है। भारत और जापान ने एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट नामक एक
आपसी लॉजिस्टिक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ये लॉजिस्टिक समझौते बता चुके हैं पिछली वीडियो में भी। दोनों देशों ने 2019 में इंडिया जापान इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फंड लॉन्च किया है। भारत और जापान की सेनाओं द्वारा नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक है शिन्यू मैत्री वायुसेना द्वारा, शिन्यू मैत्री वायुसेना के साथ में, भारत की वायुसेना के साथ में किया जाता है। जापान और जापान की वायुसेना और भारत की वायुसेना शिन्यू मैत्री, धर्म गाजियन स्थल सेना, जीमैक्स नौसेना, सहयोग काइजिन तटरक्षक बल के साथ, और मालाबार नौसेना बहुपक्षीय। बहुपक्षीय यानी कि इसमें से भारत, जापान और अन्य भी देश हो सकते हैं, उसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास। और सहयोग काइजिन भारत और जापान के बीच में किया जाता है, भारत की तटरक्षक सेना और जापान की तटरक्षक सेना। भारत की नौसेना और जापान की नौसेना के बीच में जीमैक्स युद्धाभ्यास, और धर्म गार्जियन भारत की स्थल सेना और जापान की स्थल सेना के बीच में धर्म गार्जियन, और शिन्यू मैत्री वायुसेना के साथ में किया जाता है। गुजरात के अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में एक जापानी जेन गार्डन काइजन अकादमी का उद्घाटन किया गया। जेन गार्डन काइजन अकादमी का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में किया गया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख द्विपक्षीय सहयोग इंटीग्रेटेड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, म्यूचुअल लॉजिस्टिक एंड सप्लाई एग्रीमेंट, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड और सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव आदि सब में इनका द्विपक्षीय सहयोग है। इसमें संबंधित सुर्खियों में है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की हत्या कर दी गई थी, ये एक न्यूज में था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कि शिंजो अबे की एक बुक है उत्सुकुशी कुनी ई, जिसका मतलब होता है टुवार्ड्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, जिसमें भारत का विशेष उल्लेख दिया गया है। टुवार्ड्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, इसमें भारत का विशेष उल्लेख किया गया है। इसका मूल नाम क्या है? उत्सुकुशी कुनी ई। भारत जापान संबंधों में उनका क्या योगदान था? उन्होंने शांति और सुरक्षा के लिए भारत जापान के बीच विशेष सामरिक वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा दिया था। अबे के कार्यकाल में जापान के प्रमुख परियोजनाओं में सहायता के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 10वें हिस्से का योगदान दिया गया था, और इन परियोजनाओं में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना भी शामिल थी। उन्होंने 4 अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के प्रवेश का समर्थन किया था। इसके अतिरिक्त रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी में भी सहयोग का बढ़ावा दिया था। इन्हीं सब कार्यों के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। शिंजो अबे को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 2021 में। इनकी बुक है उत्सुकुशी कुनी ई। अब देख लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया रिलेशन। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हो गया है, मतलब चर्चा नहीं चल रही है, ये इफेक्टिव हो चुका है आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। अब देख लेते हैं इसके बारे में, ये है क्या, ये दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और उसमें सुधार लाने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है, और इसमें प्रभावी लगभग सभी टैरिफ लाइंस जैसे आयात और निर्यात कर जो भी होते हैं उनको शामिल किया गया है। जितने भी प्रभावी टैरिफ लाइंस जैसे आयात और निर्यात सीमा शुल्क वगैरह हो गया जो भी है इस समझौते में शामिल किया गया है। किसी विकसित देश के साथ यह भारत का पहला व्यापार समझौता पिछले 10 साल से भी अधिक समय ऐसा हो गया कि हमने किसी विकसित देश के साथ कोई भी व्यापार समझौता नहीं किया था, और भारत के लिए यह 2022 का दूसरा व्यापार समझौता है। पहले यूएई के साथ हम व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कर चुके हैं, और अब आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब देख लेते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है समझौते के। भारत से निर्यात की जाने वाली लगभग 96% वस्तुओं को ऑस्ट्रेलिया अपने बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा, जीरो ड्यूटी एक्सेस प्रदान करेगा। यानी कि भारत से जो भी वस्तुएं ऑस्ट्रेलिया की ओर जाएंगी तो यहां पे जो भी टैक्स वगैरह लगता था वह सब जीरो कर दिया जाएगा। लगभग किसके लिए जीरो कर दिया जाएगा? 96% गुड्स एंड सर्विस के लिए, 96% वस्तुओं के लिए, सर्विसेज के लिए नहीं, वस्तुओं के लिए। इसमें याद रखिएगा 96% वस्तुओं के ऑस्ट्रेलिया अपने बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा।
इसमें इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न आभूषण वस्त्र परिधान तथा चमड़े जैसे प्रमुख क्षेत्रों के उत्पाद शामिल होंगे। और क्या इसमें शामिल है, इसमें भारतीय स्नातकों को अध्ययन के बाद वर्क वीजा दिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए उनको वीजा दिया जाएगा, जो भी विज्ञान तकनीक इंजीनियरिंग और गणित के भारतीय स्नातक होंगे उनको ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीजा दिया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू कर कानून में संशोधन करने पर सहमत हो गया है, जिसमें भारतीय कंपनियों की ऑफशोर इनकम पर कराधान व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। भारतीय कंपनियों की ऑफशोर इनकम, ऑफशोर इनकम क्या होती है कि जब जैसे भारत की कोई कंपनी, मान लेते हैं कि भारत की विप्रो कंपनी है, विप्रो कंपनी, अब यह अपने देश से किसी दूसरे देश में, ऑस्ट्रेलिया में इसने अपना एक सब्सिडरी कंपनी खोला हुआ है, तो वहाँ पे जो अर्जित आय है ऑस्ट्रेलिया में, मान लेते हैं कि वो 100 रुपये कमाता है एक साल में, 100 रुपये कमाता है एक साल में, तो इस पे भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टैक्स लगा रही थी। लेकिन अब ये जो कर कानून संशोधन किया गया ऑस्ट्रेलिया में, तो जो भी भारतीय ऑफशोर कंपनियाँ हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जो इनकम जनरेट करेंगी, उन पे कराधान व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको भी याद रखिएगा कि भारतीय ऑफशोर कंपनियों को ऑस्ट्रेलिया में अगर वो अवस्थित हैं तो उन पे कर नहीं लगाया जाएगा। इस समझौते में फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए एक अलग अनुबंध किया जाएगा, इसमें पेटेंट युक्त जेनेरिक और बायोसिमिलर दवाओं को त्वरित मंजूरी मिल सकेगी। पेटेंट युक्त मतलब पेटेंट युक्त दवाएं तो सभी लोग जानते हैं, वो ऐसी दवाएं जो जिन पे पेटेंट किया जाता है, जिन पे एक अधिकार होता है किसी भी खोजकर्ता, जिन्होंने उसका आविष्कार किया है उनका अधिकार होता है, वे होती पेटेंट युक्त दवाएं। और जिन पेटेंट युक्त दवाओं का पेटेंट समाप्त हो चुका होता है वो कहलाती हैं जेनेरिक दवाएं। और बायोसिमिलर दवाएं मतलब होती है कि जैसे मान लेते हैं कि पैरासीटामॉल दवाई है, अब पैरासीटामॉल के जैसी ही कोई सेम काम करने वाली कोई दूसरी दवाई, मान लेते हैं कि पैरासेफ है, पैरासेफ, ये कहलाएंगी बायोसिमिलर, उनकी बायोलॉजी सेम है, दोनों की काम दोनों सेम ही करेंगे। तो ऐसी दवाइयों को त्वरित मंजूरी दी जाएगी, जिसके तहत फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए जो अलग अनुबंध किया गया है उसके तहत उनको त्वरित मंजूरी दी जाएगी। इस समझौते में उत्पत्ति के नियम, उत्पत्ति के नियम मतलब कि जिस देश में प्रोडक्ट, जैसे मान लेते हैं कि पैरासेफ टैबलेट है, पैरासेफ टैबलेट है और इसका उत्पादन भारत बस में हो रहा है, पैरासेफ टैबलेट का उत्पादन भारत में हो रहा है, अब ये भारत पहले इसको इंडोनेशिया को बेच दे, भारत में इसका कंपोजिशन, जो भी पैरासेफ का कंपोजिशन है वो इंडोनेशिया को भेज दिया, भारत से इंडोनेशिया को भेज दिया गया। अब इंडोनेशिया गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया को अगर व्यापार करती है, ऑस्ट्रेलिया देश की ओर व्यापार करती है, तो ये माना जाएगा अगर इसमें कोई भी मूल्यवर्धन नहीं किया गया पैरासेफ में, यानी कि इसमें कोई और कंपोजिशन वगैरह ऐड नहीं किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया यही मानेगी कि यह भारत से ही, भारत का ही प्रोडक्ट है, पैरासेफ भारत का ही प्रोडक्ट है, ना कि इंडोनेशिया का। तो ये होगा आपका उत्पत्ति का नियम, इस समझौते के तहत उत्पत्ति का नियम, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय। सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मतलब होता है स्वच्छता से संबंधित, मतलब उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह, जैसे एक बार सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मैटर पे भारत के आम एक्सपोर्ट पे अमेरिका ने बैन लगा दिया था कि अमेरिका में भारत से आम आयात नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय में, मतलब इसमें जो भी समझौते होते हैं, जिसमें जो भी मानक तय किए जाते हैं उनको फॉलो नहीं कर पा रहा है, स्वच्छता संबंधित होते हैं सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय। विवाद निपटान तंत्र, नेचुरल पर्संस की आवाजाही जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। अन्य घटनाक्रम क्या हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया भारत जल सुरक्षा पहल के लिए तकनीकी सहयोग हेतु भारतीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। दोनों देश लिथियम और कोबाल्ट जैसे दुर्लभ खनिजों से जुड़ी संयुक्त परियोजनाओं में सहयोग के लिए सहमत हुए हैं। दुर्लभ खनिज क्या होते हैं, दुर्लभ खनिज वे होते हैं कि जो अर्थ में उपलब्ध तो बहुतायत में है, दुर्लभ खनिज उपलब्ध तो बहुतायत में होते हैं लेकिन इनका निष्कर्षण कठिन होता है, इनका निष्कर्षण कठिन व महंगा होता है, कठिन व महंगा होता है, इसलिए इनको दुर्लभ खनिज कहा जाता है। ऐसे 17 दुर्लभ खनिज हैं और लिथियम और कोबाल्ट, इनको इसमें जुड़ी संयुक्त परियोजनाओं में सहयोग के, लिथियम और कोबाल्ट से जुड़े जो भी
उत्खनन जैसे जो भी कार्य किए जाएंगे उनमें सहयोग किए जाने संबंधित दोनों देश भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया है। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। हाल ही में भारत अमेरिका नेतृत्व वाले आर्थिक समूह इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का हिस्सा बनने के लिए सहमत हुआ है। एक अमेरिकी नेतृत्व का एक समूह है, क्या उसका नाम है क्या इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF, इंडियन नहीं सॉरी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसमें भारत भी अब शामिल हो गया है। इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा जूम इन कर देते हैं इसको। IPEF संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 14 भागीदार देशों का एक फ्रेमवर्क है। इसका उद्देश्य भागीदार देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक संबंधी मामलों पर भागीदार सुनिश्चित करना है। और COVID-19 महामारी के दौरान जो भी इसमें कमियां उजागर हुई थी उन कमियों को देखते हुए लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। COVID-19 के टाइम पे आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई थी, उन चुनौतियों से भी निपटने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इसमें कौन कौन से 14 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, USA, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। चीन शामिल नहीं है, याद रखना इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में चीन शामिल नहीं है। इसे चीन के खिलाफ ही, चीन और रूस के खिलाफ ही जनरली इसको बनाया गया। इसकी मुख्य विशेषताएं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक और गैर पारदर्शी व्यापार एवं आर्थिक नीतियों को प्रतिसंतुलित करना है। ये चीन के ही को प्रतिसंतुलित करने के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया गया है। यह कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, याद रखना यह कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। यह इसका लक्ष्य क्या है, इसका प्राथमिक लक्ष्य है मानक स्थापित करना और व्यापार को सुविधाजनक बनाना। जैसे मानक स्थापित करना मतलब दोनों देशों के बीच कोई भी चीज़ को लेकर व्यापार है तो उसके मानक तय किए जाएंगे कि अगर उसमें ये क्वालिटी पूर्ण कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर वो मानक पूर्ण नहीं करेगा तो उसका व्यापार नहीं किया जाएगा। मानक स्थापित कर दिए जाएंगे जिससे आसानी हो जाएगी। मतलब एक बार आपने जैसे अमेरिका का एक एग्जाम्पल लेते हैं, भारत से आम निर्यात किए अमेरिका की ओर। अब अमेरिका यहाँ पे मानक स्थापित नहीं थे, अमेरिका अपने यहाँ से नियम बना दिया कि सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मानक को पूर्ण नहीं कर रहे हैं ये हम। तो यहाँ पहुँचने के बाद, अमेरिका के तट पे पहुँचने के बाद ये वापस आ गए भारत में, तो इससे क्या इनका जो ईंधन का तो नुकसान ही हुआ, समय का नुकसान ही हुआ, तो इससे व्यापार बाधित होता है। तो जब मानक स्थापित कर दिए जाएंगे तो यहाँ से अगर ये मानक पूर्ण नहीं करेगा मैंगो तो यहाँ से जाएगा ही नहीं प्रोडक्ट, तो ईंधन और समय दोनों की बचत होगी। इसलिए इनका प्राथमिक लक्ष्य है मानक स्थापित करना और व्यापार को सुविधाजनक बनाना। व्यापार को सुविधाजनक बनाने से मतलब एक तो मानक जब स्थापित हो जाएंगे तो व्यापार काफ़ी हद तक सुविधाजनक हो जाएगा और आपूर्ति श्रृंखला अगर सुनिश्चित कर दी जाती है तो भी व्यापार सुविधाजनक होता है। जैसे अगर मैंगो की डिमांड अमेरिका में है लेकिन उसका उत्पादन भारत में नहीं है, उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पा रहा, तो भी व्यापार उतना सुविधाजनक नहीं माना जाएगा। अब इसका उद्देश्य ना तो सदस्यों के बीच बाजार पहुंच को बढ़ावा देना है और ना ही किसी प्रकार के प्रशुल्क में कमी करने की बात करना है। ये याद रखना है, ये MCQ से बना सकता है, ये MCQ वाला एक क्वेश्चन है, क्योंकि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इसमें इकोनॉमी जुड़ा है तो जनरली टिक मार देते हैं कि हाँ ये प्रशुल्क में कमी करने से संबंधित समझौता, ये कुछ भी अलग नहीं करेगा, इसमें सिर्फ मानक स्थापित किए जाएंगे और व्यापार को सुविधाजनक बनाने की बात की जा रही है। सिर्फ मानक स्थापित करना है और व्यापार को सुविधाजनक बनाना है, इसमें किसी भी प्रकार के प्रशुल्क को कम नहीं करना है, प्रशुल्क को कम नहीं करना और ना ही बाजार पहुंच को बढ़ावा देना है। नॉर्मली जो व्यापार होता है उसी तरह होते रहना है, सिर्फ अंतर इतना है कि मानक स्थापित कर दिए जाएंगे और व्यापार को सुविधाजनक बनाने की कोशिश की जाएगी। कोई भी मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। ये चार स्तंभों पर ये संगठन खड़ा हुआ है, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा और कर चोरी पर लगाम लगाने से संबंधित। तो भारत अभी तक इनमें से तीन स्तंभों, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा और कर चोरी, इन तीनों पे भारत
तो सहमत हो गया है, लेकिन अभी व्यापार समझौते पर सहमत नहीं हो पाया है। भारत के लिए आईएफ का महत्व क्या है? क्षेत्रीय व्यापार में भागीदारी बढ़ेगी, क्षेत्रीय व्यापार में भागीदारी बढ़ेगी और कई मुद्दों पर वार्ता करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। जैसे इन मुद्दों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर पर्यावरणीय प्रतिबंध और डेटा स्थानीयकरण आदि शामिल होंगे। बेहतर आर्थिक अवसर उपलब्ध कराएगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी बढ़ाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या है? यह एक भौगोलिक कंस्ट्रक्ट है जो लंबे समय से प्रचलित एशिया पैसिफिक अवधारणा के विकल्प के रूप में उभरा है। अलग अलग देश इसकी अलग अलग परिभाषा अपनी देते हैं। हिंद प्रशांत का महत्व क्या है? यह क्षेत्र विश्व के लगभग 44% भू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें विश्व की 65% आबादी निवास करती है और विश्व का 62% GDP हिंद प्रशांत क्षेत्र में अवस्थित है। और यह विश्व के व्यापार का लगभग 46% का प्रतिनिधित्व करता है हिंद प्रशांत क्षेत्र। बंगाल बंगाल की खाड़ी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय ने विश्व समुद्री दिवस जो कि 29 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व समुद्री दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है, तो विश्व समुद्री दिवस के अवसर पर एक बहुविषयक अनुसंधान केंद्र सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज का शुभारंभ किया है। सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज का शुभारंभ किसने किया है? नालंदा विश्वविद्यालय ने। तब किया है विश्व समुद्री दिवस जो कि 29 सितंबर को मनाया जाता है। भारत 2018 में नेपाल में चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज की स्थापना की घोषणा की गई थी भारत द्वारा। 2018 में इसकी घोषणा की गई थी, 2022 में इसकी स्थापना की गई है। सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज CBS बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के लिए अवसर पैदा करने हेतु भू अर्थशास्त्र, भू राजनीति, पारिस्थितिकी, व्यापार, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा और कानून, सांस्कृतिक विरासत तथा ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेगा। लगभग सभी क्षेत्रों में ये सहयोग करेगा और समुद्री जुड़ाव के लिए भारत के समग्र नेटवर्क को समग्र फ्रेमवर्क को मजबूती प्रदान करेगा। अभी इसमें भारत इसी संबंध में भारत द्वारा आरंभ की गई कुछ पहले हैं, जैसे हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, इसका नेतृत्व तो भारत करता है और इस क्षेत्र के सैन्य प्रमुखों को क्षेत्रीय चुनौतियों जैसे आतंकवाद, पायरेसी आदि पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करता है। नौसेना अभ्यास यह बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से सटे देशों दक्षिण पूर्व एशिया हिंद महासागर समुदाय की समुद्री नौसेनाओं के बीच 2 वर्षों में एक बार नौसेना अभ्यास मिलन की मेजबानी करता है। भारत मिलन की मेजबानी करता है। मिलन क्या है? मिलन एक नौसैनिक अभ्यास है किन देशों के बीच में? दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद महासागर समुदाय और समुद्री नौसेनाओं के बीच में 2 वर्षों में एक बार होता है ये, जो कि बे ऑफ बंगाल से सटे हुए देश हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सभी देशों की नौसेनाओं से जो भारतीय नौसेना युद्ध अभ्यास करती है उसका नाम है मिलन। ये ध्यान देना, बे ऑफ बंगाल में मिलन नाम का नौसैनिक सैन्य अभ्यास होता है। यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट, ये समझौते वाणिज्यिक पोत परिवहन के संबंध में सूचनाओं के आदान प्रदान को संभव बनाते हैं। व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट ये भी पूछा जा सकता है और इसमें एक नाम से ही स्पष्ट होता है, व्हाइट का जनरली अर्थ होता है कि शांति समझौता। व्हाइट कलर का मतलब होता है शांति से संबंधित, और वाणिज्य व्यापार में शांति ही होती है, इसमें कोई युद्ध वगैरह नहीं होता। तो वाणिज्य व्यापार से संबंधित जो भी सूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित जो एग्रीमेंट है वो है व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट। भारत के वर्तमान में बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका के साथ व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट्स हैं। तीन देशों के साथ हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका के साथ व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट है। थाईलैंड व इंडोनेशिया के साथ अभी बात चल रही है। सुनामी चेतावनी प्रणाली इनकोइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद ने राष्ट्रीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र स्थापित किया है और इसका उद्देश्य है कि 2004 जैसी सुनामी के विनाशकारी प्रभावों के दोहराव को रोकना। प्रोजेक्ट मौसम, ये बे ऑफ बंगाल में जो भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई पहले हैं उनको हम पढ़ रहे हैं, उनमें उनके अंतर्गत एक है प्रोजेक्ट मौसम। यह पूर्व आधुनिक काल में मानसूनी पवनों के संबंधित ज्ञान और उनके पैटर्न में परिवर्तन को समझने के लिए
हिंद महासागर क्षेत्र के कई देशों के साथ सहयोग करने हेतु संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। AUKUS, 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 ऑस्ट्रेलिया, UK और USA। यह भारत के कुशल प्रभावी कूटनीति के कारण चीन ने जो भी AUKUS के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था उसे वापस ले लिया है। कहाँ प्रस्ताव पारित किया था? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में उस AUKUS के खिलाफ प्रस्ताव को वापस ले लिया है। इसमें AUKUS में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सामरिक रक्षा गठबंधन है। इसका उद्देश्य क्या है? AUKUS का उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा द्वारा चलित पनडुब्बियों की एक श्रृंखला का निर्माण करना। परमाणु ऊर्जा द्वारा चलित पनडुब्बियों की एक श्रृंखला का निर्माण करना। इसमें 3 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, UK, यूनाइटेड किंगडम और USA। AUKUS में 3 देश शामिल हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में और इसका एक उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलकर कार्य करना और चीन के उदय को बढ़ते खतरे के रूप में देखा जाता है। AUKUS समझौते के तहत व्यापक तकनीकों का भी विकास करना जिससे कि चीन को कंट्रोल किया जा सके। अभी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जहां पे AUKUS के खिलाफ प्रस्ताव लाया था चीन ने, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसके IAEA इंटरनेशनल एजेंसी फॉर एटॉमिक एजेंसी के बारे में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक और तकनीकी सहयोग हेतु स्थापित एक वैश्विक अंतर सरकारी फोरम है। यह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी समझौते होते हैं उनसे संबंधित एक वैश्विक अंतर सरकारी फोरम है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंदर एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य परमाणु सामग्री या तकनीक के दुरुपयोग का शीघ्र पता लगाकर परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का उद्देश्य है परमाणु के प्रसार को रोकना, मतलब परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। सदस्यता, इसमें 176 देश शामिल हैं और भारत इसका सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का भारत सदस्य है। यह IAEA और NPT का पक्षकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी NPT का नॉन प्रोलिफरेटरी ट्रीटी का पक्षकार नहीं है। इसे 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पर्सन इन द ब्लू पैसिफिक, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और जापान, इन 5 देशों ने मिलकर पर्सन इन द ब्लू पैसिफिक PBP पहल की घोषणा की है। इससे पहले चीन ने कॉमन डेवलपमेंट विजन नामक एक प्रारूप समझौता जारी किया था। इसमें चीन ने यह मंशा प्रकट की है कि वह प्रशांत देशों के साथ कानून लागू करने में सहयोग का विस्तार करना चाहता है। पर्सन इन द ब्लू पैसिफिक के बारे में देख लेते हैं। यह 5 देशों का अनौपचारिक तंत्र है और यह राजनयिक व आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। पर्सन पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, इसका उद्देश्य निकट सहयोग के माध्यम से प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि, लचीलापन व सुरक्षा को बढ़ाना है। और इसमें पारस्परिक पहुंच समझौते, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत, संयुक्त अरब अमीरात व फ्रांस की त्रिपक्षीय बैठक, इससे भी MCQ बनता दिख नहीं रहा है, लेकिन त्रिपक्षीय बैठक है किसके बीच में? भारत, संयुक्त अरब अमीरात व फ्रांस के बीच में त्रिपक्षीय बैठक है, जिसका उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाना और ब्लू इकॉनमी, क्षेत्रीय संपर्क, बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा, स्टार्टअप्स आदि पर सहायता व सुरक्षा उपलब्ध करवाना। भारत, UAE, फ्रांस त्रिपक्षीय मंच और इसका महत्व क्या है? त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क के तहत हिंद प्रशांत में सहयोग को बढ़ावा देगा। यह भारत की वैश्विक भूमिका के साथ साथ भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास पहल आदि की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में अरब सागर में रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाएगा। यह स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के साझा लक्ष्यों की दिशा में कार्य करने का अवसर भी प्रदान करता है। सुरक्षा साझेदारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको ना पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। खनिज सुरक्षा साझेदारी, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत ने अमेरिका नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी MSP मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप,
इसमें भारत को शामिल नहीं किया है, इसलिए भारत ने चिंता व्यक्त की है। इसका नेतृत्वकर्ता कौन है? एमएसपी का मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का नेतृत्वकर्ता है अमेरिका। यह क्या है? यह स्थिर और विविध खनिज आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, खनिजों की आपूर्ति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है जिसका नेतृत्व करता है अमेरिका, और अमेरिका ने भारत को इसमें शामिल नहीं किया है। ये याद रखना है, खनिज सुरक्षा साझेदारी में भारत शामिल नहीं है, भारत शामिल नहीं है खनिज सुरक्षा साझेदारी में। खनिज सुरक्षा साझेदारी महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ खनिजों का उत्पादन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण सुनिश्चित करता है। खनिज सुरक्षा साझेदारी दुर्लभ खनिजों का और महत्वपूर्ण जो भी खनिज जैसे लिथियम कोबाल्ट वगैरह हो गया, तो इनके उत्पादन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करता है। इससे देशों को उनके भूवैज्ञानिक संसाधनों का आर्थिक विकास और पूर्ण लाभ उठाने में मदद मिलेगी। इसमें 11 सदस्य शामिल हैं, ये साउथ कोरिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ आयोग, फिनलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे हैं। कौन कौन से 11 सदस्य हैं? साउथ कोरिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी। यानी कि अमेरिका से कौन कौन से देश हैं? अमेरिका महाद्वीप से अमेरिका है, कनाडा है, अमेरिका और कनाडा अमेरिका महाद्वीप से हैं। एशिया से कौन है? साउथ कोरिया है, जापान है, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी। एशिया से तीन हैं, साउथ कोरिया है, जापान है और जर्मनी। यूरोप से यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ आयोग, फिनलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे। ऑस्ट्रेलिया अलग महाद्वीप है। यह साझेदारी कोबाल्ट निकेल लिथियम आदि जैसे खनिजों और 17 दुर्लभ मृदा खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में चिप वगैरह की शॉर्टेज हो गई थी और लिथियम की भी बहुत ज़्यादा भंडार उपस्थित नहीं है। भारत लिथियम का लगभग 100% ही आयात करता है लिथियम की आवश्यकता का, चीन और ताइवान से शायद आयात करता है। तो खनिज सुरक्षा साझेदारी में भारत शामिल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इससे। हिंद प्रशांत त्रिपक्षीय विकास सहयोग, इससे भी MCQ बनता दिख नहीं रहा है। अमेरिका भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, इसमें देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन संपन्न हुआ है। भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 के अनुसार इसे लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य है कि इन 5 स्तंभों के माध्यम से तकनीकी समाधानों को लागू करना। कौन कौन से स्तंभ किस क्षेत्र में तकनीकी समाधान लागू करना? तेल और गैस, विद्युत और ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास और उभरते ईंधन आदि और प्रौद्योगिकियां। इन क्षेत्र में तकनीकी समाधानों को लागू करना, मतलब इनकी तकनीकी विकसित करना। CPTPP कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांसपेसिफिक पार्टनरशिप, इसमें यूके के अनुरोध का, मतलब यूके इसमें शामिल होना चाहता है CPTPP में, इसलिए इसको इसमें लिया गया है। इसकी उत्पत्ति 2018 में हुई थी। CPTPP व्यापक और प्रगतिशील प्रशांत पार भागीदारी समझौता, इससे पहले से ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता था। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने TPP की सदस्यता का त्याग कर दिया तो इसे CPTPP नाम दिया गया। इसका USA इसका सदस्य नहीं है, ये याद रखना है। व्यापक और प्रगतिशील प्रशांत पार भागीदारी समझौता का USA भागीदार नहीं है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के 11 देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौता है। इसको याद रखना है। यह मुक्त व्यापार समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता है। और अभी एक हम लोग पढ़ रहे थे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, ये याद रखना। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, और CPTPP यह मुक्त व्यापार समझौता है। व्यापक और प्रगतिशील प्रशांत पार भागीदारी समझौता मुक्त व्यापार समझौता है, इसमें पर्यावरण और श्रम अधिकारों का संरक्षण भी
सम्मिलित है। सदस्य कौन कौन से हैं? इसके सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम। इसमें कोई भी यूरोपियन कंट्री नहीं है, याद रखिएगा कि इसका नाम ही है एशिया प्रशांत क्षेत्र, इसलिए यूरोपियन कंट्री नहीं है वो, जो एशिया एशिया के हैं और प्रशांत महाद्वीप से जो जिनकी बाउंड्री लगती है वही हैं, जैसे चिली हो गया, पेरू, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम और जापान। चीन इसका सदस्य नहीं है। व्यापक और प्रगतिशील प्रशांत पार भागीदारी समझौते में चीन सदस्य नहीं है और भारत भी इसका सदस्य नहीं है। निवेश प्रोत्साहन समझौता, भारत और यूएसए के बीच में हुआ है निवेश प्रोत्साहन समझौता, ये 1997 में भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौते का स्थान लिया, मतलब 1997 में भी एक निवेश प्रोत्साहन समझौता हुआ था और अभी ये अपडेटेड वर्जन है। इसमें ऋण, इक्विटी निवेश, निवेश गारंटी, निवेश बीमा, पुनर्बीमा, संभावित परियोजनाओं एवं अनुदानों से संबंधित व्यवहार्यता अध्ययन जैसे निवेश सहायता कार्यक्रम शामिल हैं। यह निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक समझौता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक विकास वित्त एजेंसी DFC ने इसको प्रस्तावित किया है। यह समझौता भारत में निवेश सहायता प्रदान करना जारी रखने की दृष्टि से DFC के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है और DFC या उसकी पूर्ववर्ती एजेंसियां 1974 से भारत में सक्रिय हैं। कुल मिलाकर भारत में इससे निवेश बढ़ेगा ये कहना चाहता है, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड शोरिंग प्लान, इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय संघ के बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने में मदद होगी और वहीं घरेलू निर्माताओं को यूरोपीय संघ के रास्ते आयात तक पहुंच प्राप्त करने में भी मदद करेगा। यूरोपीय संघ को भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विकास का मुख्य स्रोत माना जाता है। यूरोपीय संघ को भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विकास का मुख्य स्रोत माना जाता है। मुक्त व्यापार समझौता मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को भी बढ़ावा देगा। और यूरोपीय संघ को क्या फायदा होगा, यह एक बड़े बाजार की तलाश कर रहा है क्योंकि यूरोपीय संघ के भीतर व्यापार स्थिर हो गया। यूरोपीय संघ में अब व्यापार की जो उसकी रेट है वो स्थिर हो चुकी है, बढ़ नहीं, उसकी ग्रोथ बढ़ नहीं रही है तो क्योंकि उनके बाजार सीमित हो चुके हैं। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के साथ भी उनका व्यापार कम हो गया है। यूरोपीय यूनियन से यूनाइटेड किंगडम अलग हो गया है, अब उनका व्यापार भी कम हो गया है, इसलिए उनको बड़े बाजार की तलाश है जो जिसकी पूर्ति भारत द्वारा की जा सकती है। और इसमें ये कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भौगोलिक संकेतक समझौता उत्पादों GI उत्पादों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पारदर्शी और पूर्वानुमान आधारित विनियामक परिवेश स्थापित करता है और इसमें बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट टर्म है नहीं। यूरोपीय संघ के बारे में देखते हैं, यह 27 संप्रभु सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसकी स्थापना 1993 से हुई थी मास्ट्रिक्ट संधि के तहत। इसका उद्देश्य क्या है, शांति को बढ़ावा देना, यूरोपीय संघ के मूल्यों का अनुपालन करना और राष्ट्रों में जीवन यापन के स्तर में सुधार लाना, आंतरिक बाजार स्थापित करना और पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुरक्षा करना। ये यूरोपीय संघ के सदस्यों के लिस्ट है और यूरोपीय अन्य यूरोपीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं, यूरोपीय परिषद, एक यूरोपीय परिषद है जो कि EU के प्रत्येक सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों को एक मंच पर लाती है। यूरोपीय परिषद इस यूरोपीय यूनियन के जितने भी सदस्य देश हैं उनके लिए एक मंच प्रदान करती है और यूरोपीय संघ की राजनीतिक दिशा भी तय करती है यूरोपीय परिषद। यूरोपीय संसद, यह यूरोपीय संघ की प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एकमात्र संस्था है, यूरोपीय परिषद के साथ यूरोपीय संसद के पास विधायी शक्ति है, इसे कानून बनाने और अपनाने की शक्ति है, हालांकि इनके पास विधायी प्रक्रिया शुरू करने की कोई शक्ति नहीं है। और एक है यूरोपीय आयोग, यह यूरोपीय संघ की राजनीतिक रूप से स्वतंत्र कार्यकारी शाखा है, यह यूरोपीय संसद एवं यूरोपीय परिषद के निर्णयों को लागू करता है। इससे क्वेश्चन शायद ही बनेगा।
यूनाइटेड यूके ने 2020 में इसकी सदस्यता छोड़ दी थी, यूरोपीय यूनियन की। यूरो क्षेत्र, जिन देशों में यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया जाता है उन्हें यूरो क्षेत्र कहते हैं। यूरोपीय संघ के 20 सदस्य देश शामिल, यूरो क्षेत्र में यूरोपीय संघ के 20 सदस्य देश शामिल हैं। क्रोशिया 2023 में इस क्षेत्र में शामिल होने वाला नवीनतम देश है। क्रोशिया यूरो क्षेत्र में शामिल हो चुका क्योंकि इसने यूरो को ही अपनी मुद्रा बना लिया है। यूरोपीय संघ का अपना ध्वज, गान, आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। यूरोपीय संघ का आदर्श वाक्य है यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। भारत और यूके का क्या रिलेशन है? विभिन्न पहलुओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं, व्यापार, समृद्धि पर हस्ताक्षर। ये हस्ताक्षर एग्जाम में नहीं पूछता है जनरली। इसके बीच में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या है। दोनों देशों के बीच 41 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। यूनाइटेड किंगडम भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक देश है। ये हम लोगों ने लिस्ट देख चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम भारत में सबसे बड़ा निवेशक देश है, इसमें लगभग 33 बिलियन डॉलर का संचयी निवेश शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। यूनाइटेड किंगडम में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? भारत। भारत की विप्रो, इन्फोसिस जितने भी IT सेक्टर की कंपनियां अधिकतर यूनाइटेड किंगडम में अवस्थित हैं। यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में बोलें तो यूनाइटेड किंगडम में या कि फिर अमेरिका अमेरिका में अवस्थित हैं। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 2010 में एक असैन्य परमाणु सहयोग घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए थे। इसमें एक चीज समझने लायक है कि यूनाइटेड किंगडम कहते किसे हैं। आपको शायद मैप विजिबल होगा। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और एक बेलफिस्ट, स्कॉटलैंड, इन सभी चीज, ये इतना जो मैप दिख रहा है इनको मिला के, इन तीनों को मिला के यूनाइटेड किंगडम नाम दिया गया है। इसमें इंग्लैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ये तीन मिलके बनते हैं। इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ये तीन मिलके यूके बनते हैं। और इसमें आयरलैंड शामिल नहीं, आयरलैंड की राजधानी डबलिन, आयरलैंड शामिल नहीं है, ये याद रखना। यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड शामिल नहीं है। यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 2015 में रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ भारतीय मूल की आबादी लगभग 1.8 से 2 मिलियन है, जो यहाँ की नृजाति आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। कुल विदेशी छात्रों की संख्या के मामले में भारतीय छात्रों का स्थान दूसरा। यूनाइटेड किंगडम में जितने भी विदेशी पढ़ते हैं उनमें से भारतीय छात्र दूसरे नंबर पे हैं। यूनाइटेड किंगडम इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव 2005 में शुरू किया गया। इससे कुछ भी MCQ नहीं बनेगा। भारत फ्रांस देख लेते हैं। रक्षा सहयोग पर वार्ता संपन्न हुई है। इसमें भारत फ्रांस के साथ व्यापार अधिशेष है। भारत का फ्रांस के साथ व्यापार अधिशेष है, यानी कि भारत का फ्रांस में जो भी ट्रेड होता है, व्यापार मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और मतलब हम फ्रांस से एक्सपोर्ट कम करते हैं। ये भारत हो गया, ये फ्रांस हो गया। तो भारत भारत जो है फ्रांस से फ्रांस को एक्सपोर्ट करता है, इसमें उल्टा लिख दिए हैं। भारत एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इसको फ्रांस को एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, वहाँ से इम्पोर्ट कम करता है, इसीलिए हम व्यापार अधिशेष में हैं। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार लगभग 8 बिलियन डॉलर का है। COP 21 के दौरान दोनों देशों ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को शुरू किया था। तब COP 21 के दौरान इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। रक्षा सहयोग इन दोनों के बीच में क्या है? राफेल विमान की खरीदारी भारत ने की है। इसके अलावा भारत ने 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों P-75 प्रोजेक्ट के तहत एक अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के मध्य संयुक्त रूप से द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आयोजन किया जाता है। इसमें गरुण, वरुण और शक्ति, ये पहले भी बता चुके हैं, गरुण, वरुण और शक्ति, ये तीनों फ्रांस के साथ युद्ध किए जाते हैं। गरुण वायु सेना के साथ, वरुण नौसेना के साथ और शक्ति थल सेना के साथ तीन सैन्य प्रशिक्षण किए जाते हैं। और रेसिप्रोकल लॉजिस्ट रेसिप्रोकल
लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर हुए। रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट क्या होता है कि दो देशों के सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। जैसे समुद्र में भारत की सेना यहाँ तक पहुंच गई, मान लेते हैं यहाँ पे आप देखते हैं बे ऑफ बिस्के, इसमें भारतीय सेना की कोई भी नेवल जहाज आ गया। अब इनको जो भी आवश्यकता की पूर्ति होगी तो वो फ्रांस की नौसेना कर देगी, ये होता है। और जब भी फ्रांस की सेना इंडियन ओशियन में आएगी, इंडियन ओशियन के आसपास, या भारतीय किसी भी सैन्य अड्डे के पास किसी भी आएगी, तो इन दोनों एक दूसरे को लॉजिस्टिक सपोर्ट करेंगे। ये होता है रेसिप्रोकल, मतलब एक दूसरे को आदान प्रदान करना, एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे लॉजिस्टिक्स का, जो भी सामान सैन्य संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं उनका आदान प्रदान करेंगे, चाहे उसमें रिफ्यूलिंग की व्यवस्था हो, खाद्य सुरक्षा की बात हो, यानी कि भोजन वगैरह की बात हो, ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक सपोर्ट में शामिल होती हैं। भारत और फ्रांस ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER का एक सदस्य है। यह एक बहुराष्ट्रीय संघ है। ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर बहुराष्ट्रीय एक संघ है। इसका गठन फ्रांस के कैडाराचे में स्थित एक प्रायोगिक संलयन यानी कि फ्यूजन रिएक्टर के निर्माण के लिए किया गया है। दोनों देशों ने 2008 में असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए और फ्रांसीसी नेतृत्व वाले एम्बिशन कोइलेशन फॉर नेचुरल एंड पीपल में शामिल हो गया है कौन, भारत। इसका लक्ष्य 2030 तक दुनिया में की कम से कम 30% भूमि और महासागर को संरक्षण के अधीन लाना है। हाई एम्बिशन कोइलेशन फॉर नेचर एंड पीपल, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है। हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, यह फ्रांस के नेतृत्व में एक संगठन है जिसका उद्देश्य है कि 2030 तक कम से कम 30% भूमि और महासागर के क्षेत्र को संरक्षण के अधीन लाना है। दोनों देश G20, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आदि के सदस्य हैं। भारत जर्मनी देख लेते हैं। भारत जर्मनी ने स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए $10.5 billion से के हरित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हरित समझौते मतलब जो भी ग्रीन एनर्जी को जिनसे प्रदूषण ना हो वो हरित समझौते कहलाएंगे। ये साझेदारी के तहत निम्नलिखित सहयोग क्षेत्रों को शामिल किया गया है। भारत जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप का विकास, भारत जर्मनी अक्षय ऊर्जा साझेदारी की स्थापना, कृषि पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन पर एक पथ प्रदर्शक सहयोग स्थापित किया जाएगा, बॉन चैलेंज, हरित ऊर्जा गलियारों पर सहयोग बढ़ाना। बॉन चैलेंज क्या है? बॉन चैलेंज है वन परिदृश्य को बहाल करने के लिए एक सहयोग को बढ़ावा देना। बॉन चैलेंज, ये भी टर्म पूछा जा सकता है कि बॉन चैलेंज किससे संबंधित है। बॉन चैलेंज क्या है? वन परिदृश्य को बढ़ाने से संबंधित है। वन परिदृश्य को बहाल करने के लिए सहयोग को बढ़ाया जाएगा, ये है बॉन चैलेंज। कुछ अन्य पहलुओं को भी घोषणा की गई है। ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पर भारत जर्मनी साझेदारी, नीति आयोग और MBMZ डायलॉग, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ये से नहीं पूछेगा, MCQ शायद ही पूछे बनाएगा इससे। डेनमार्क ने कहा कि हरित रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाएंगे, भारत के साथ हरित रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाएंगे, ऐसा डेनमार्क कहता है। हरित रणनीतिक साझेदारी की स्थापना 2020 में की गई थी। यह हरित विकास के लिए 5 वर्ष की कार्य योजना है। यह विशेष रूप से पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों SDGs के महत्वाकांक्षी कार्यान्वयन पर केंद्रित है। इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव लॉन्च की गई है। इसके तहत भारत में हरित विकास और रोजगार पैदा करने में तेजी लाने के लिए भारत में हरित परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाएगा। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में मिशन पार्टनर के रूप में शामिल होने पर सहमत हुआ। भारत इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ICARS में मिशन पार्टनर के रूप में शामिल होने पर सहमत हो गया है। यह वन हेल्थ पर अनुसंधान साझेदारी मंच है। इसे एक और पिछली किसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को। यह वन हेल्थ पर एक अनुसंधान साझेदारी मंच है। यह निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए संदर्भ व विशिष्ट लागत प्रभावी समाधानों के कार्यान्वयन का समर्थन करता है।
इसको देख लीजिएगा, एक पिछले किसी वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। डेनमार्क ने ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप में अपने प्रवेश की पुष्टि की है और भारत ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप का सदस्य है। भारत ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप का सदस्य है और अभी डेनमार्क उसमें शामिल हुआ है। ये है क्या, यह सरकारों और राज्य क्षेत्रों, सरकारी एजेंसियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच एक सहयोग मंच है। ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप सरकारों, सरकारी एजेंसियों, WHO के बीच में एक सहयोग मंत्र है। इसे डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के समर्थन के लिए गठित किया गया है। अन्य संबंधित सुर्खियां, ग्लोब गेटवे, इसका भी एक MCQ बनता है। ग्लोब गेटवे क्या है? यह चीन की बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय संघ की 300 बिलियन यूरो की अवसंरचना वित्त पोषण योजना है। ग्लोब गेटवे यह सामाजिक, पर्यावरणीय, वित्तीय और श्रम संबंधी उच्च मानकों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। अवसंरचना विकास के लिए पहले बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल इसे G7 बैठक के दौरान शुरू किया गया था। यह मूल्य संचालित और पारदर्शी वैश्विक अवसंरचना साझेदारी है। दूसरा क्या किया गया, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, यह एशिया और अफ्रीका के बीच विकास, कनेक्टिविटी और सहयोग के संबंध में भारत जापान का एक सहयोगात्मक विजन है। एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर भारत और जापान का एक सहयोगात्मक विजन है। यह एशिया और अफ्रीका के बीच विकास, कनेक्टिविटी और सहयोग के लिए कार्य करेगा, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। ग्लोब गेटवे के बारे में इसमें देख लेते हैं मैप में। ये आपके सामने जो मैप है इसमें चीन का बेल्ट, इसमें ये चीन का BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक मैप है। इसमें चीन का ये जो मैरिटाइम रूट है वो रेड कलर में आपको शो हो रहा है और जो ओवरलैंड रूट है वो आपको ब्लू कलर में शो हो रहा है। अब इसमें जो यूरोपीय यूनियन द्वारा जो ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इसमें ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि ये चीन के इस BRI प्रोजेक्ट को किस प्रकार से इसको हैंडल करेगा या इसको किस प्रकार से काउंटर करेगा, लेकिन मतलब घोषित नहीं किया गया है कि ये BRI प्रोजेक्ट के रिस्पांस में ही इसको ग्लोब गेटवे को शुरू किया गया है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जो घोषित किया गया है वो है कि हेल्थ सेक्टर में एजुकेशन में, हेल्थ एजुकेशन, क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी आदि सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना इसका मुख्य उद्देश्य। अभी इन्होंने अपना कोई ऐसा रूट नहीं जारी किया कि हम यहाँ पे रोड बनाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे इनका मुख्य, लेकिन अघोषित उद्देश्य है BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करना, ये याद रखना है। ग्लोब गेटवे किसका इनिशिएटिव है? यह है यूरोपीय यूनियन का। ये इसमें इतना ही पूछा जा सकता है कि ग्लोब गेटवे किसका इनिशिएटिव है। अमेरिका ऑप्शन दे सकता है, भारत दे सकता है, जापान दे सकता है। यह यूरोपीय यूनियन का एक इनिशिएटिव है जिसमें 300 बिलियन यूरो की अवसंरचना का वित्त पोषण किया गया है। अब देख लेते हैं कि यूरोप में कौन कौन से देश न्यूज में थे। नॉर्डिक कंट्रीज न्यूज में थी, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये तो न्यूज में थे ही। जिब्राल्टर, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, कोसोवो, क्रोशिया, पोलैंड, लिथुआनिया, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। पहला है नॉर्डिक कंट्रीज, यह पांच देशों के समूह को नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। कौन कौन से हैं? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। इनकी अवस्थिति देख लेते हैं इसमें मैप में, बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं होगा लेकिन एक रफ आइडिया मिल जाएगा। इसमें ये है फिनलैंड, ये है स्वीडन SWEE, स्वीडन, और ये है नॉर्वे, और ये है डेनमार्क। नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया और आइसलैंड, ये है आइसलैंड। इन पांचों कंट्री को मिला के नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस और आइसलैंड, ये भी कोपेनहेगन में एक दूसरे से भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में मेजबानी हुई थी, इसके लिए चर्चा में था।
किंगडम ऑफ डेनमार्क के हिस्से के रूप में फेरो आइलैंड्स और ग्रीनलैंड तथा आइलैंड जो फिनलैंड का हिस्सा है ये भी इसमें शामिल हैं। इन सभी को स्कैंडिनेवियाई उत्पत्ति है। ये एक समान राज्य व्यवस्था कानून और संस्कृति साझा करते हैं। ये जो नॉर्डिक देश हैं इन सभी की राज्य व्यवस्था कानून और संस्कृति एक जैसी ही है। डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं। पोलैंड, इसकी राजधानी है वारसा। पोलैंड ने आपराधिक मामलों पर एक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर की है भारत के साथ, इसलिए न्यूज में है। इसकी राजनीतिक सीमाएं बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित है। पोलैंड बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित है, ये आप इसमें देख सकते हैं पोलैंड की अवस्थिति। ये है बाल्टिक सी, जो कि ये बाल्टिक सी है। एक मिनट उसको रब कर दें। ये है बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर, और ये है पोलैंड। तो पोलैंड बाल्टिक सागर से साझा करता है अपनी सीमा, और यह डेनमार्क से भी अपनी सीमा साझा करता है और स्वीडन से भी अपनी सीमा साझा करता है। डेनमार्क और स्वीडन के साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है और यह बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित है। याद रखना है पोलैंड बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित है, डेनमार्क और स्वीडन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। और इसकी क्षेत्रीय सीमाएं बेलारूस, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, रूस का एक बाह्य क्षेत्र जिसे कालिनिनग्राद ओब्लास्ट कहते हैं, लिथुआनिया, स्लोवाकिया और यूक्रेन के साथ क्षेत्रीय सीमा साझा करता है। बोस्निया और हर्जेगोविना, बोस्निया और हर्जेगोविना इसकी राजधानी है साराजेवो। यह यूरोपीय संघ बोस्निया और हर्जेगोविना को अपनी सदस्यता के लिए उम्मीदवार का दर्जा देने पर सहमत हो गया है, इसलिए न्यूज में है। बोस्निया और हर्जेगोविना दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक बाल्कन देश है। यह एक बाल्कन देश है। बाल्कन देश क्या है? यूरोप के दक्षिण पूर्वी, ये हो गया, ये यूरोप का क्षेत्र हो गया, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के कुछ देशों के कई देशों के समूह हैं जिनको बाल्कन कंट्रीज कहा जाता है। इनको बाल्टिक कंट्री से कंफ्यूज ना करेगा, बाल्टिक कंट्री नॉर्थ में अवस्थित हैं और बाल्कन कंट्रीज साउथ में अवस्थित हैं। इनको और देख लेते हैं, ये बाल्कन देश है। इससे पहले यह यूगोस्लाविया संघ का एक राज्य था। यह क्रोशिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो से अपनी सीमाएं साझा करता है। एड्रियाटिक सागर इसे समुद्री पहुंच प्रदान करता है। ये है हर्जेगोविना की अवस्थिति, जो कि क्रोशिया से अपनी बॉर्डर साझा करता है। हर्जेगोविना क्रोशिया से अपनी बॉर्डर साझा करता है और यह एड्रियाटिक सी के समीप खुलता है। ये आपके पास है एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक समीप के तट पर ये अवस्थित है बोस्निया और हर्जेगोविना। क्रोशिया बोस्निया हर्जेगोविना से बाउंड्री साझा करता है, इसके उत्तर में है। क्रोशिया ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है और यूरोप के पासपोर्ट मुक्त शेंजेन क्षेत्र में शामिल हो गया है। शेंजेन क्षेत्र एक यूरोप का पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र है जिसे शेंजेन क्षेत्र कहा जाता है। इससे पहले क्रोशिया की मुद्रा कूना थी, कूना को छोड़कर इन्होंने यूरो मुद्रा को अपना लिया है। क्रोशिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में अवस्थित है। यह बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिमी छोर पर अवस्थित है। डेन्यूब नदी सर्बिया के साथ इसकी सुदूर उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है। डेन्यूब नदी वोल्गा के साथ के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। डेन्यूब नदी सर्बिया के साथ इसकी सुदूर पूर्वी सीमा बनाती है और यह वोल्गा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। वोल्गा सबसे बड़ी है, उसके बाद है डेन्यूब। लिथुआनिया, इसकी राजधानी है विनियस। क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब, इसको देख लीजिए, क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब, क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब और लिथुआना की राजधानी है विनियस। मंत्रिमंडल ने 2022 में लिथुआनिया में एक नई भारतीय मिशन की स्थापना को मंजूरी दी है। लिथुआनिया उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला बाल्टिक देश है। बाल्टिक देश कितने हैं? तीन हैं। बाल्टिक देश तीन हैं, लिथुआनिया, नहीं सॉरी, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया।
ये तीन बाल्टिक देश हैं, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये तीन बाल्टिक देश हैं। और बालकन कंट्रीज बहुत सारे हैं, बालकन प्रायद्वीप मतलब यूरोप का दक्षिणी भाग में जितने छोटे छोटे देश हैं वो सभी बालकन प्रायद्वीप कहलाते हैं। और बाल्टिक उत्तर में अवस्थित है, उत्तर पूर्वी में। यह स्वीडन के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है, कौन? लिथुआनिया। बेलारूस, इसकी राजधानी है मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। इसका संदर्भ क्यों है न्यूज में? व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत बेलारूस अंतर सरकारी आयोग का 11वां सत्र आयोजित किया गया, इसीलिए यह न्यूज में है। बेलारूस पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा था। यह यूरोप का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। बेलारूस यूरोप का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, ये एक स्टेटमेंट बनता है। नेक्स्ट कंट्री है आयरलैंड, जिसकी राजधानी है डबलिन। भारतीय मूल के लियो वराडकर दूसरी बार आयरलैंड के ताइशक, आयरलैंड में प्रधानमंत्री को बोलते हैं ताइशक, चुने गए हैं। भारतीय मूल के हैं लियो वराडकर, इसीलिए यह न्यूज में है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं लियो वराडकर जो, और आयरलैंड में प्रधानमंत्री को ताइशक कहा जाता है। यह पश्चिमी यूरोप का द्वीपीय राष्ट्र है, ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में अवस्थित है आयरलैंड। आयरलैंड ये है ग्रेट ब्रिटेन, ये इतना एरिया मिला के ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है, और ये है आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में अवस्थित है आयरलैंड। कोसोवो, इसकी राजधानी है प्रिस्टीना, कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीनिया। नृजाती तनाव के कारण सर्बिया के साथ लगी अपनी मुख्य सीमा को बंद कर दिया है कोसोवो ने। कोसोवो यूरोप के बालकन क्षेत्र में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। कोसोवो ने अपने सर्ब और मुख्य रूप से अल्बेनियाई निवासियों के बीच लंबे समय से जारी तनावपूर्ण संबंधों के बाद वर्ष 2008 में सर्बिया से अपनी एक तरफा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। पहले ये सर्बिया का ही एक पार्ट था, लेकिन फिर इसने 2008 में सर्बिया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। रीजन क्या था? सर्ब और अल्बेनियाई निवासियों के बीच संघर्ष चल रहा था। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड ने अक्टूबर 2023 में स्वतंत्रता के लिए एक नए जनमत संग्रह की घोषणा की है। 2023 में स्वतंत्रता के लिए एक नए जनमत संग्रह की घोषणा की है। किसने? स्कॉटलैंड ने। स्कॉटलैंड में कानूनी रूप से लिंग परिवर्तन के लिए आयु सीमा कम करने के पक्ष में मतदान किया गया है। इससे पहले 2014 में जनमत संग्रह में स्कॉटिश मतदाताओं ने स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया था। इसमें 55% मतदाताओं ने कहा था कि यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। स्वतंत्रता का स्वीकार करना मतलब यूनाइटेड किंगडम में भी राजशाही शासन ही है, राजशाही शासन ही है, इसको वो कहते हैं कि अब हम स्वतंत्र नहीं है, गुलाम है, वो फालतू की बकवास है। यूके, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है। यूके, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है। यह उत्तरी यूरोप में अवस्थित है स्कॉटलैंड। ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के लगभग एक तिहाई भाग का निर्माण करता है स्कॉटलैंड। जिब्राल्टर, 180 वर्ष के बाद जिब्राल्टर के ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर एक शहर घोषित कर दिया गया। पहले जिब्राल्टर एक ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र था, अब उसे एक शहर घोषित कर दिया गया है। स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध के बाद हस्ताक्षरित एक संधि के तहत जिब्राल्टर को ब्रिटेन को सौंप दिया गया था। पहले स्पेन का हिस्सा था जिब्राल्टर, फिर स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध के बाद इसको ब्रिटेन को सौंप दिया गया। कब? 1713 ईस्वी में। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, ये हमेशा न्यूज में रहती है, कभी अमेरिका उसमें बम फोड़ाता है, कभी रूस बम फोड़ाता है। हाल ही में दो क्षतिग्रस्त अपतटीय पाइपलाइनों में चौथा लीकेज पॉइंट खोजा गया है। इसे महत्वपूर्ण नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी शामिल है। बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस से यूरोप तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए इसे डिजाइन किया गया है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जल की सतह के नीचे गैस की एक पाइपलाइन है जो कि 12 से 24 किलोमीटर लंबी है। यह उत्तर पश्चिमी यूरोप के वायबोर्ग से बाल्टिक सागर के माध्यम से पूर्वी उत्तर जर्मनी के लुबमिन शहर तक जाती है, और नॉर्ड स्ट्रीम 2 उत्तर लुगा से बाल्टिक सागर के माध्यम से जर्मनी के ग्रिप्सवाल्ड शहर तक जाती है। इसी मैप में इसमें देख लेते हैं, ये आपको इसमें शो हो रहा है ये एरिया, ये तो ये रूस के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से और यूरोप के उत्तरी क्षेत्र तक ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जा रही है, और ये बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी के अंदर से होते हुए ये जल के अंदर अंदर जाने वाली एक पाइपलाइन है जो कि गैस के
सप्लाई से रिलेटेड है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। हम डिस्कस करेंगे 7th यूनिट जो कि भारत और अफ्रीका महाद्वीप के संबंध, जो भी कंट्रीज हैं उनके संबंध के बारे में क्या है। पहला है भारत और मॉरिशस। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जान लीजिए कि मॉरिशस अफ्रीकन कंट्री है, ये एशियन कंट्री नहीं है, ना ही साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। मॉरिशस अफ्रीकन कंट्री है, याद रखिएगा, काफ़ी लोगों के इसमें कन्फ्यूजन रहता है। हाल ही में भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता प्रभावी हो गया है। भारत और मॉरिशस के बीच में व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौता प्रभावी हो गया। अब ये व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता क्या होता है? ये व्यापक आर्थिक साझेदार जो समझौता होता है, इसमें ऐसा जैसे भारत और मॉरिशस के बीच में किया गया है, तो इसमें दोनों देश अपने अपने क्षेत्र में ये सुनिश्चित करेंगे कि लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो। लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव किया जाए दोनों के क्षेत्रों में, भारत और मॉरिशस दोनों एक दूसरे के देशों में लिविंग स्टैंडर्ड कैसे हाई हो इस बारे में चर्चा करेंगे। लिविंग स्टैंडर्ड हो गया और रियल इनकम हाई और स्टडी हो और दोनों देशों के बीच में व्यापार ट्रेड हो, ट्रेड बढ़े और इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड होंगी उनको कहते हैं व्यापक आर्थिक साझेदार समझौता। इसमें मोर इम्पॉर्टेंट ये है, इसमें लिविंग स्टैंडर्ड को भी कवर किया जाता है। व्यापक आर्थिक साझेदार समझौते में लिविंग स्टैंडर्ड, रियल इनकम क्या होता है कि वो इनकम जो इन्फ्लेशन जिसमें हटा दिया जाए, जैसे अब सालाना 3% तो इनकम सभी की लगभग भारत में तो बढ़ी जाती है 3.5%, लेकिन ये रियल इनकम है तो क्योंकि इन्फ्लेशन कितनी 6 से 6.5% के आसपास इन्फ्लेशन रहती है, तो ये रियल इनकम नहीं कहलाएगी। इन्फ्लेशन को घटाने के बाद जो इनकम आए वो रियल इनकम कहलाएगी। तो रियल इनकम में स्टडी इसका ग्रोथ होता रहे, ये सब इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि इसमें व्यापक आर्थिक साझेदार समझौते के तहत। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखे हैं, इसमें और टर्म है, इनको भी डिटेल से देख लेते हैं। पहले इनको भी देख लेते हैं, इसमें एक टर्म है व्यापार समझौतों के कई प्रकार हैं इसमें दिए गए हैं। पहला है आर्थिक बाजार, साझा बाजार, सीमा शुल्क संघ, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता और तरजीही व्यापार। इनको समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ये क्या होते हैं कि सदस्य देश प्रशुल्कों में कटौती करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे भारत और मॉरिशस मान लेते हैं, भारत और मॉरिशस हैं, ये दोनों देश एक दूसरे के बाउंड्री में जो भी प्रशुल्क लगते हैं उसको कम कर देंगे, प्रशुल्क को डाउन कर देंगे सिर्फ इन दोनों देशों के लिए, भारत मॉरिशस के लिए और मॉरिशस भारत के लिए। दोनों आपस में एक दूसरे के लिए जो भी प्रशुल्क लगते हैं उनको कम कर देंगे, तो ये कहलाएगा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसको एग्जाम्पल के तहत ऐसे समझिए कि जैसे भारत मॉरिशस को कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत मॉरिशस को कोई चीज़ भेज रहा है, तो उस पर ये 10% पहले 10% इन्होंने सीमा शुल्क लगाया हुआ था। मान लेते हैं कि कोई बाइक है और सेम बाइक चाइना भी मॉरिशस में एक्सपोर्ट कर रहा है, उस पर भी पहले इन्होंने जो विदेशी व्यापार मतलब सीमा शुल्क इन्होंने 10% ही लगाया हुआ था, लेकिन भारत के साथ इन्होंने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया तो इन्होंने 10% से घटाकर इसको 2% कर दिया, यानी कि ये भारत को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसीलिए ये कहलाता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अब देखते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। इसमें सदस्य राष्ट्र आपस में प्रशुल्कों को शून्य कर देते हैं, तरजीही व्यापार में शून्य नहीं करते, इसमें कम करते हैं, जैसे 10 था 10 से 2 कर दिए, इसमें प्रेफरेंशियल ट्रेड में कम करते हैं, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ट्रेड फ्री कर देते हैं। भारत और मॉरिशस कई एग्जाम्पल लेते हैं, इन दोनों के बीच में जो भी सीमा शुल्क है इसको 0% कर देते हैं, सीमा शुल्क सीधे 0% ही कर देते हैं, ये कहलाता है प्रशुल्क मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अन्य देशों के लिए ये स्वतंत्र व्यापार नीति लागू करते रहेंगे, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में जो भी आयात निर्यात होगा उसमें सीमा शुल्क 0% कर देते हैं। व्यापक आर्थिक साझेदार समझौता तो देख ही चुके हैं।
सीमा शुल्क संघ ये क्या होता है, कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन, सीमा शुल्क संघ ये क्या होता है, इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होता है। इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो होता ही है, जैसे मान लेते हैं कि ये भारत हो गया, मॉरिशस हो गया और जापान हो गया, ये तीन देश हैं। थोड़ा और इसको साफ एग्जांपल ले लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। सीमा शुल्क संघ एक यूनियन बना लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया भारत और ये है मॉरिशस और ये है जापान, ये तीन देश हैं। ये तीनों देश आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे, इन तीनों देशों के बीच में, इन तीनों देशों के बीच में सीमा प्रशुल्क 0% है। ठीक, अब ये क्या करते हैं, एक बैरियर बनाते हैं कि इन तीनों देश एक कॉमन कस्टम ड्यूटी सेट कर लेते हैं, कॉमन कस्टम ड्यूटी सेट कर देते हैं कि इन तीनों देशों के अलावा कोई भी बाहरी देश, कोई भी अन्य देश, एक्स वाई जेड कोई भी देश इन पे, इनके तीनों के साथ व्यापार करेगा तो उसको मान लेते हैं कि 30% इसमें टैक्स देना पड़ेगा, 30% सीमा प्रशुल्क देना पड़ेगा। तो लेकिन इन तीनों देशों को, भारत हो गया, जापान हो गया और मतलब ये अभी हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, मॉरिशस, भारत, जापान और मॉरिशस, तो इन तीनों के बीच में तो जो कस्टम ड्यूटी है वो तो 0 ही है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो सीमा शुल्क में होता ही है। साथ में ये एक कॉमन बाउंड्री बना लेते हैं बाकी अन्य देशों के साथ में, कि उनके साथ टैरिफ क्या लगाएंगे, ये सीमा प्रशुल्क क्या लगाएंगे, ये तीनों मिलके अपना इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब बाकी विदेशी, बाकी अन्य देशों जिनके साथ समझौता किए हैं, सीमा प्रशुल्क संघ बनाए हैं, अन्य देशों के अलावा वो एक टैरिफ को कॉमन कर लेते हैं कि ये तीनों देश बाकी सभी देशों से इतना टैरिफ लेंगे। नेक्स्ट है साझा बाजार, कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट क्या होता है, इसमें कस्टम यूनियन तो होता ही है, जैसे सीमा शुल्क संघ है, कस्टम यूनियन तो इसके गुण होते ही हैं, कस्टम यूनियन तो होता ही है, और साथ में ये कहते हैं कि जो भी प्रोडक्शन के लिए जो भी साधन लगते हैं, प्रोडक्शन के लिए जो भी संसाधनों की आवश्यकता होती है, इनका भी निर्बाध आवाजाही हो जाती है, साधन निर्बाध रूप से इनकी आवाजाही हो जाती है। साधन क्या होते हैं, प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से साधन की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है और मनी की आवश्यकता होती है, लेबर की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, ये सारी चीज़ें साधन की किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होती हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, इनकी आवाजाही निर्बाध रूप से हो जाती है। इसमें कोई भी चेकिंग वगैरह नहीं करेगा कि 2 घंटे चेकिंग के लिए लगा हुआ है, ये कहलाता है साझा बाजार। उसके उसमें गुण क्या होता है, सिर्फ एक सीमा प्रशुल्क संघ में जैसे तीन देश हैं, मान लेते हैं कोई भी 5 देश हैं, ये देश अपना समूह बना लिए, इनका आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया सभी का, अब इन पे कोई भी अन्य देश आता है इनसे व्यापार करने के लिए, तो ये कॉमन बाउंड्री बना दिए कि हम 10% सीमा प्रशुल्क सभी से लेंगे अपने सदस्य देशों को छोड़ के। अब साझा बाजार में इसके साथ में क्या करते हैं, इसके साथ में क्या करते हैं कि इनके जो संसाधन है आपस में, सीमा प्रशुल्क 0% तो था लेकिन अभी संसाधन की निर्बाध आवाजाही नहीं थी, जब संसाधन की निर्बाध आवाजाही इनके बीच में हो जाएगी सदस्य देशों के बीच में, वो कहलाएगा साझा मार्केट, मार्केट कॉमन हो गया। और एक इससे बृहद परिकल्पना होती है आर्थिक बाजार, ये साझा मार्केट सीमा प्रशुल्क से भी बड़ी परिकल्पना होती है आर्थिक बाजार। आर्थिक बाजार में क्या होता है, इसमें साझा बाजार के गुण होते हैं, कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट होता है, प्लस इसमें सिंगल करेंसी, सिंगल करेंसी, सिंगल मॉनेटरी पॉलिसी, में सिंगल मॉनेटरी पॉलिसी और साथ में इनके सिंगल फिस्कल पॉलिसी भी होती है, जब कोई भी देश आपस में मिलकर साझा बाजार, साझा बाजार आप समझ चुके हैं, साझा बाजार के गुण तो उसमें हो, साझा बाजार मतलब सीमा शुल्क संघ हो, सीमा सीमा शुल्क संघ के साथ में संसाधनों की निर्बाध आवाजाही,
संसाधन निर्बाध रूप से आवाजाही करें तो वो कहलाएंगे साझा बाजार। साझा बाजार, अब साझा बाजार का तो गुण हो, साथ में उन देशों के बीच में, मान लेते हैं कोई भी, यही पांच देश हैं, पांच देश हैं, इन देशों के बीच में इनकी मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी मौद्रिक नीति बनाएंगे, सभी की ये सेम रहेगी मौद्रिक नीति, और इनकी जो भी राजकोषीय नीति बनाएंगे, पांचों देशों की सेम होगी राजकोषीय नीति, और इनकी करेंसी भी सेम होगी, तो ये कहलाएगा आर्थिक बाजार, इकोनॉमिक यूनियन, या आर्थिक संघ या इकोनॉमिक यूनियन भी इसको कहते हैं। उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे, या हम इसको सही से समझा पाए होंगे। हालांकि ये समझने का टाइम नहीं इसमें, तो सिर्फ ये ऐसा है कि सिर्फ आप देखिए और चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, जितना समझना था समझ चुके, आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते चलिए। भारत मॉरिशस व्यापक साझेदार समझौते में क्या है? इसमें वस्तुओं का व्यापार, उत्पाद के उत्पत्ति संबंधी नियम, सेवाओं उत्पत्ति संबंधी नियम आपको कई बार बता चुके हैं, सेवाओं में व्यापार, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय, विवाद निपटान, नेचुरल पर्सन आवाजाही जैसे पेशेवर आदि की आवाजाही, दूर संचार, वित्तीय सेवाएं आदि सम्मिलित हैं भारत और मॉरिशस के CECPA एग्रीमेंट में। भारत मॉरिशस संबंध से महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत मॉरिशस का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। भारत मॉरिशस का सबसे बड़ा व्यापार, मॉरिशस में जितने भी देश व्यापार करते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा भागीदारी है भारत की। द्विपक्षीय पण्य व्यापार लगभग 708 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद मॉरिशस भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का तीसरा शीर्ष स्रोत है। मॉरिशस भारत में FDI का तीसरा शीर्ष स्रोत है। हम इसकी लिस्ट पहले भी चेक कर चुके हैं। एक बार फिर यहाँ पे आपको रिवाइज करवा देते हैं कि FDI इसलिए कि इससे हो सकता है, हमको लग रहा है कि इसमें FDI से कंट्रीज का बता सकता है कि सबसे ज़्यादा किस में है और सबसे कम अवरोही क्रम में इसको सेट करें। पहला किसका था? सिंगापुर। पहला सिंगापुर का स्थान था, दूसरा USA, USA ने मॉरिशस को पीछे कर दिया, तीसरा मॉरिशस, चौथा है नीदरलैंड, फिफ्थ है, चौथा नीदरलैंड, फिफ्थ कौन सा था? UK, यूनाइटेड किंगडम, और सिक्स था जापान। ये छह देश हैं जहां से भारत में FDI सबसे ज़्यादा आती है। सिंगापुर संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद मॉरिशस भारत में सिंगापुर संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद मॉरिशस भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। भारत के सागर, सागर का फुल फॉर्म क्या? सभी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, सागर मिशन के विजन के तहत मॉरिशस को विशेष वरीयता दी गई है। और भारत और मॉरिशस ने द्विपक्षीय समझौतों की एक विस्तृत श्रृंखला पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें दोहरे कराधान से बचाव, निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता, जैव प्रौद्योगिकी सहयोग और प्रत्यर्पण संधि आदि ये समझौते भारत और मॉरिशस के बीच में किए जा चुके हैं। मॉरिशस की लोकेशन देख सकते हैं, इसमें इसको रब कर देते हैं, इसमें भी एक MCQ बनने की संभावना हमेशा रहती है कि मॉरिशस, सेशेल्स, मालदीव और मेडागास्कर, इन चारों की लोकेशन सेट करने को देख देख सकता है कि वेस्ट टू ईस्ट आप इसको सेट करिए या नॉर्थ टू साउथ इसको सेट करिए। तो नॉर्थ टू टू साउथ जब सेट करेंगे, सबसे नॉर्थ में आएगा मालदीव, उसके बाद आएगा सेशेल्स, फिर आएगा मेडागास्कर और उसके बाद आएगा मॉरिशस। और जब आप वेस्ट टू ईस्ट सेट करेंगे तो सबसे पहले आएगा मेडागास्कर, फिर आएगा मॉरिशस, नहीं, मेडागास्कर के बाद आएगा सेशेल्स, सेशेल्स के बाद आएगा मॉरिशस, मॉरिशस के बाद मालदीव्स। इन चारों का लोकेशन भी आप याद रख सकते हैं। मॉरिशस की जनसंख्या में लगभग 70% भारतीय मूल के लोग हैं। मॉरिशस में 2 नवंबर को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन एटलस नामक जहाज भारतीय गिरिमिटिया मजदूरों के पहले समूह को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। 2 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारतीय जो गिरिमिटिया थे, बिहार उत्तर प्रदेश के जो भी मजदूर लोग थे, वह उनके समूह को लेकर एक एटलस नाम का जहाज था, वह 2 नवंबर को ही मॉरिशस पहुँचा था। वो जो लोग पहुँचे थे वो वहाँ पे अप्रवासी थे, उन्हीं को सम्मान स्वरूप वहाँ पे अप्रवासी दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर को, कहाँ पे? मॉरिशस में। भारत में कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी इसी दिन लौट के आए थे भारत, कहाँ से? अफ्रीका से।
12 मार्च दांडी नमक मार्च के शुभारंभ की तारीख है। 12 मार्च को दांडी मार्च शुरू हुआ था, तो उसको मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी ने दांडी मार्च का शुभारंभ किया था। यह दिवस महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति में मनाया जाता है। भारत और मॉरिशस विश्व व्यापार संगठन, राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं। भारत ने मॉरिशस को डोर्नियर विमान और उन्नत हेलीकॉप्टर MK3 और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी सौंपे हैं। अब देख लेते हैं इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय सहयोग मंत्रिक्षीय आयोग। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका ये एक त्रिपक्षीय आयोग मतलब एक संगठन बनाए हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसकी बैठक सितंबर 2022 में हुई थी। इसके डायलॉग फोरम त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग इसे नाम दिया गया। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम फोरम त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका फोरम। यह विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में तीन देशों का एक त्रिपक्षीय समूह है। अलग अलग देशों जैसे एक हो गया एशिया से, भारत एशिया से हो गया, ब्राजील हो गया साउथ अमेरिका से, और साउथ अफ्रीका हो गया अफ्रीका से। ये अलग अलग क्षेत्रों से तीन देशों का एक त्रिपक्षीय समूह है। 2003 में ब्राजीलिया घोषणा पत्र के माध्यम से इसकी स्थापना की गई और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर साझा विचार बनाए रखना इनका उद्देश्य है। और अपने क्षेत्रों में तीनों देश अपने क्षेत्र में के व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास को बढ़ावा देंगे इस समझौते के तहत। सदस्य देश भारत ब्राजील साउथ अफ्रीका। इसके तहत कौन कौन सी पहले की गई। विकासशील देशों में मांग के आधार पर गरीबी और भुखमरी उन्मूलन के लिए फंड की स्थापना की गई है। परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के सहयोग के लिए 14 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप गठित किए गए हैं और IVSA बिजनेस फोरम लॉन्च किया गया है। इसमें भारतीय उद्योग परिसंघ भारत की भागीदारी का समन्वय करता है। ये G20 शिखर सम्मेलन के साथ 6ठे IVSA शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा। भारत G20 के साथ भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा। अब अफ्रीका में कौन कौन से देश न्यूज में थे इनको देख लेते हैं। अफ्रीका में बहुत सारे देश न्यूज में थे, 19 से 20 देश लगभग इसमें न्यूज में थे, देख लेते हैं। इनकी सभी की लोकेशन को ट्रेस करना वीडियो में थोड़ी मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे देश हो जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। साउथ अफ्रीका, इसकी राजधानी तीन राजधानियाँ हैं। प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है, विधायक की राजधानी केप टाउन है और न्यायिक राजधानी ब्लूमफोंटेन है। दक्षिण अफ्रीका ने 1994 के बाद नागरिक अशांति का सबसे बुरा दौर झेला है। यह पर्वतीय देश लेसोथो साउथ अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में इससे घिरा हुआ एक स्थलरुद्ध देश है। ये लेसोथो ये स्थलरुद्ध देश है जो कि देश के अंदर एक देश है। बुर्किना फासो, हाल ही में बुर्किना फासो में सेना ने तख्तापलट किया है। बुर्किना फासो की एक सैन्य अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। बुर्किना फासो की अवस्थिति देख लेते हैं। यह है बुर्किना फासो, ये पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित एक यह एक स्थलरुद्ध देश है। बुर्किना फासो स्थलरुद्ध देश है। तंजानिया, दार अस सलाम, तंजानिया की राजधानी क्या है, दार अस सलाम, ये जो प्रशासनिक राजधानी है, और डोडोमा विधायी राजधानी है। सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इसको याद रखिएगा, सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो महिला राष्ट्रपति हैं, वो भी पहली कहाँ में, तंजानिया में, सामिया सुलूह हसन नाम है इनका। ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। जानजीबार, पेम्बा और माफिया द्वीप इस समूह के देश के भाग है। तंजानिया स्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान है जो कि तंजानिया में अवस्थित है। और विक्टोरिया झील भी उत्तरी तंजानिया में ही अवस्थित है जो कि दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये आप तंजानिया की अवस्थिति देख सकते हैं। ये हिंद महासागर में पूर्वी तरफ, इसके हिंद महासागर है
और यहीं पे विक्टोरिया झील अवस्थित है, और यहीं पे किलीमंजारो, यहीं पे किलीमंजारो है, यहीं पे विक्टोरिया झील अवस्थित है। ला रियूनियन द्वीप, राजधानी है सेंट डोनिस। ला रियूनियन द्वीप, हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने फ्रांसीसी ला रियूनियन द्वीप के दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में दूसरा सैन्य अभियान किया है। यह मैस्केरेन द्वीप समूह का हिस्सा है। ला रियूनियन द्वीप मैस्केरेन द्वीप समूह का हिस्सा है, पश्चिमी हिंद महासागर में अवस्थित है, और यह 12 फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्रों में से एक है। फ्रांस के 12 विदेशी क्षेत्र उनमें से एक कौन है? ला रियूनियन आइलैंड। यह मॉरिशस के दक्षिण पश्चिम और मेडागास्कर के पूर्व में अवस्थित है। मेडागास्कर के पूर्व में और मॉरिशस के दक्षिण पश्चिम में, यह है मॉरिशस, मॉरिशस के दक्षिण पश्चिम और मेडागास्कर के पूर्व में अवस्थित है ला रियूनियन आइलैंड। सेनेगल, राजधानी है डाकार। भारत ने सेनेगल के साथ 3 समझौता ज्ञापनों, सांस्कृतिक आदान प्रदान, युवा मामलों में सहयोग और अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। सेनेगल एक अफ्रीकी देश है और यह पश्चिम अफ्रीका के उभार पर स्थित है। सेनेगल की अवस्थिति देख लेते हैं। सेनेगल पश्चिम अफ्रीका पर अवस्थित है। यह है सेनेगल की अवस्थिति। यह पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित है और अटलांटिक ओशियन में एक इसकी सीमा खुलती है। सेनेगल की, सेनेगल पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। सेनेगल की राजधानी है डाकार। सेनेगल की राजधानी है डाकार। गास्कर की राजधानी, है एंटानानारिवा। एंटानानारिवा गास्कर की राजधानी है, और यह विश्व का चौथा यह मेडागास्कर का एक द्वीपीय देश है। हाल ही में भारत में मेडागास्कर ने टेली एजुकेशन तथा टेली मेडिसिन पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। मेडागास्कर क्या है? ये एक द्वीपीय देश है। यह दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में अवस्थित है, जो मोजाम्बिक चैनल इसे अफ्रीकी तट से अलग करता है। अफ्रीका महाद्वीप, जो अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी किनारा है, और मेडागास्कर, इनके बीच में मोजाम्बिक चैनल अवस्थित है, और मोजाम्बिक चैनल ही इन दोनों ही स्थल क्षेत्रों को अलग करता है। और मेडागास्कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। यह कोमोरोस, मेयट और रीयूनियन, मॉरिशस, मोजाम्बिक तथा सेशल्स के साथ अपनी समुद्री सीमाओं को साझा करता है। इथियोपिया, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। इथियोपियाई सरकार और टाइग्री पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इथियोपिया एक स्थलरुद्ध देश है। यह एक बड़ी भ्रंश घाटी द्वारा विभाजित है। इथियोपिया की सरकार विद्रोही टाइग्रे वालों के बीच में संघर्ष के कारण यह देश गृह युद्ध के खतरे से ग्रस्त था। यह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्षेत्र, और ये इथियोपिया स्थलरुद्ध देश है। ये याद रखना है, इथियोपिया स्थलरुद्ध देश है। इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, ना ही रेड सी से लगती है, ना ही पर्शियन गल्फ से लगती है, ना ही हिंद महासागर से लगती है। इथियोपिया एक स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट कंट्री है सोमालिया। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। ये न्यूज में इसलिए क्योंकि सोमालिया में आतंकवादी संगठन अल शबाब ने एक होटल की घेराबंदी कर ली थी, और होटल को 30 घंटे की विध्वंसक कार्रवाई के बाद इन आतंकवादियों से मुक्त कराया गया। सोमालिया अब पूर्वी अफ्रीकी देश है। यह उत्तर पूर्वी अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे ही अवस्थित है। अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में इसकी समुद्री सीमाएं खुलती हैं, और भूमध्य रेखा सोमालिया से होकर गुजरती है। यह सोमालिया की अवस्थिति, और यह हिंद महासागर में इसकी सीमाएं खुलती हैं। सोमालिया फेमस है डाकू लुटेरों के लिए, जो कि समुद्री लुटेरों के लिए फेमस है। याद रखना, ये हिंद हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अवस्थित है सोमालिया और इथियोपिया, लेकिन इथियोपिया स्थलरुद्ध देश है और सोमालिया स्थलरुद्ध देश नहीं है, और सोमालिया से भूमध्य रेखा भी होकर गुजरती है। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। भारत दीर्घावधि के अनुबंधों पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG की खरीदी के लिए अल्जीरिया के साथ भी वार्ता कर रहा है। अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका में अवस्थित है। यह सहारा रेगिस्तान का विस्तार है तथा इसमें चरम जलवायु का प्रभाव है। अल्जीरिया में ये अल्जीरिया के अवस्थित है। अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका में अवस्थित है, और यह भूमध्य सागर में अपनी सीमा
ओपन होती है। अल्जीरिया की सीमा भूमध्य सागर में ओपन होती है। नेक्स्ट है गाम्बिया, गाम्बिया की राजधानी है बांजुल। WHO के बाद भारत में विनिर्मित कप सिरप पीने से गाम्बिया में बच्चों की मौत के मामले की जांच शुरू की है। गाम्बिया में आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि भारत में निर्मित जो कप सिरप है उससे काफ़ी बच्चों की डेथ हो गई थी, लगभग 17 बच्चों की डेथ हो गई थी, तो उसकी जांच भारत ने शुरू की है। ये घटना गाम्बिया में हुई थी। गाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि का सबसे छोटा गैर द्वीपीय देश है। गाम्बिया, इसकी राजधानी बांजुल गाम्बिया नदी के मुहाने पर स्थित है। गाम्बिया नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। यानी कि अफ्रीका के पश्चिम की तरफ। यह देश तीन तरफ से सेनेगल से घिरा हुआ है और एक तरफ अटलांटिक महासागर है। गाम्बिया तीन तरफ सेनेगल से घिरा हुआ है। सेनेगल की अवस्थिति हम पहले ही देख चुके हैं। ये है सेनेगल और ये है गाम्बिया। ये तीन तरफ से सेनेगल से घिरा हुआ है और एक तरफ इसके ये अटलांटिक ओशियन पे ओपन होता है। गाम्बिया देख चुके हैं। अब एक इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति छठी बार राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए हैं। वह विश्व में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर बने रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति उन्होंने 1979 में इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था और अभी तक वो राष्ट्रपति हैं। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित तेल संसाधन समृद्ध एक छोटा उष्णकटिबंधीय देश है। इक्वेटोरियल गिनी तेल संसाधन संबद्ध देश है। इसमें बायोको सहित 5 द्वीप अवस्थित हैं। इसकी राजधानी मलाबो भी बायोको द्वीप पर ही अवस्थित है। इनकी मुख्य भूमि को रियो मुनि के नाम से जाना जाता है। नाइजीरिया तथा साओ टोमो और प्रिंसिपे के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। देख लेते हैं इक्वेटोरियल गिनी ये DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के उत्तर में है। ये है इक्वेटोरियल गिनी। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इसकी राजधानी है बंगुई। यह देश सोना व यूरेनियम के खनन के लिए भारतीय निवेश का इच्छुक है। मतलब ये भारत से ऐसा कह रहा है कि यहाँ पे निवेश करो जिससे कि सोना व यूरेनियम का उत्खनन किया जाए। यह अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन अफ्रीका में अवस्थित एक स्थलरुद्ध देश है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरानी। जिम्बाब्वे में मुद्रास्फीति लगभग 130% से अधिक हो गई है। जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए सोने के सिक्कों को वैध मुद्रा के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। यह दक्षिण अफ्रीका का स्थलरुद्ध देश है। मकर रेखा के उत्तर में अवस्थित है और करीबा झील आयतन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा जलाशय जिम्बाब्वे में ही अवस्थित है। करीबा झील जो आयतन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा जलाशय है यह जिम्बाब्वे में अवस्थित है। रिपब्लिक ऑफ कांगो इसकी राजधानी है ब्राजाविल। हाल ही में कांगो ने अपना पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र निर्मित किया है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र से आशय सीमित मानवीय गतिविधियों वाले महासागरीय भाग से है। मतलब वहाँ पे मानवीय गतिविधियों को सीमित कर दिया जाता है, जो भी समुद्री क्षेत्र संरक्षित किया जाता है। रिपब्लिक ऑफ कांगो पहले इक्वेटोरियल अफ्रीका के फ्रांसीसी उपनिवेश का पहले यह फ्रांसीसी उपनिवेश था। यह एकमात्र देश है जहाँ बोनोबो कौन है? बोनोबो एक चिंपांजी की प्रजाति है जो मनुष्य के निकटतम संबंधी माना जाता है। वहाँ पे पाए जाते हैं बोनोबो चिंपांजी पाए जाते हैं। कहाँ पे? रिपब्लिक ऑफ कांगो में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इसकी राजधानी किंशासा। कांगो ने तेल कंपनियों को अपनी वन भूमि की नीलामी करने का निर्णय लिया है। यह मध्य अफ्रीका में अवस्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। सबसे विशाल पुराने विकसित वर्षा वनों में से एक मौजूद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण गोरिल्ला अभयारण्य। महत्वपूर्ण गोरिल्ला अभयारण्य का नाम क्या है? विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में अवस्थित है। ट्यूनिशिया की राजधानी है ट्यूनिस। हाल ही में ट्यूनिशिया ने संवैधानिक बदलावों पर योजनाबद्ध जनमत संग्रह और दर्जनों न्यायाधीशों की बर्खास्तगी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। ट्यूनिशिया भूमध्य सागर के तट पर एक उत्तरी अफ्रीकी देश है। ट्यूनिशिया भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित है। यह लीबिया और अल्जीरिया के साथ अपनी भूमि सीमाओं को साझा करता है। ट्यूनिशिया लीबिया अल्जीरिया मोरक्को और मॉरिटानिया इन 5 देशों को
माघरेब देशों के रूप में जाना जाता है। ये देख ये इसमें माघरेब देशों का एक टर्म आता है। माघरेब देश में 5 देश शामिल हैं, उसमें से है ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को और मॉरिटानिया। ये उत्तरी अफ्रीकी देश ही हैं। ट्यूनीशिया में जैस्मिन क्रांति के रूप में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। ट्यूनीशिया में जैस्मिन क्रांति के रूप में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। इसमें ट्यूनीशिया में लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को और मॉरिटानिया, इन 5 देशों को माघरेब देश के रूप में जाना जाता है। आइए इनकी अवस्थिति देख लेते हैं। माघरेब देशों के रूप में इन 5 देशों को जाना जाता है, उसमें से कौन से हैं? एक है ये ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, मोरक्को हो गया और मॉरिटानिया, ये हो गया, सॉरी ये हो गया आपका मॉरिटानिया, मोरक्को, ये मॉरिटानिया, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया और लीबिया। ये एम आकृति आप ऐसे बना लीजिए। इसमें 5 देश हैं, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को और मॉरिटानिया। एम आकृति बनाते हैं, एम से माघरेब, इनको क्या कहा जाता है? माघरेब नहीं, सॉरी माघरेब, माघरेब देश, माघरेब, माघरेब देश कहलाते हैं। ये कम न्यूज में रहता है, हो सकता है इससे पूछ भी ले कि माघरेब देश कौन कौन से देश कहलाते हैं, तो मॉरिटानिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया। ये इन एम आकृति में बनाते हैं, एम से याद रखिएगा। माघरेब उत्तरी अफ्रीकन देश हैं, उत्तर पश्चिमी अफ्रीकन देश हैं। आगे चलते हैं, केन्या, केन्या की राजधानी है नैरोबी। ONGC विदेश लिमिटेड केन्या में तटवर्ती तेल परियोजनाओं में निवेश के लिए विचार विमर्श कर रही है। विवादों के बीच विलियम रूटो ने केन्या के राष्ट्रपति चुनाव को विजेता घोषित किया गया है। केन्या के राष्ट्रपति कौन है? विलियम रूटो, जिनको अभी चुनाव ये जीते हैं। तुर्काना झील केन्या में अवस्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी मरुस्थली झील है, दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी मरुस्थली झील है तुर्काना झील, और यह दुनिया की सबसे बड़ी क्षारीय झील भी है, तुर्काना झील याद रखिएगा। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, यह युगांडा और तंजानिया में भी विस्तृत है और केन्या में भी ये अवस्थित है। कौन सी? विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या में विस्तृत है। घाना की राजधानी है अक्रा, घाना की राजधानी है अक्रा। घाना ने एक सरकारी आर्थिक कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ वार्ता शुरू की है। यह पश्चिमी अफ्रीकी देश है जो गिनी की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। गोल्ड कोस्ट पश्चिम अफ्रीका में एक पूर्वी ब्रिटिश उपनिवेश था, जिसे अब घाना गणराज्य के रूप में जाना जाता है। गोल्ड कोस्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ से पहले जब वो ब्रिटिश उपनिवेश था तो वहीं से गोल्ड का इन लोग उत्खनन वगैरह करके सब खत्म कर दिया। वहाँ गोल्ड कोस्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है। सूडान की राजधानी है खार्तूम। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सूडान के युद्धग्रस्त दारफुर क्षेत्र में कबायली संघर्षों में लगभग 100 लोग मारे गए हैं। सूडान अफ्रीका के पूर्वोत्तर में स्थित है। यह 7 देशों मिस्र, लीबिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान, इथियोपिया और इरिट्रिया के साथ सीमा साझा करता है। सीम सूडान, इसकी भी लोकेशन देख ले, पहले इसको देख लेते हैं। 2011 में सूडान दक्षिण सूडान से अलग हुआ था। ये आपके सामने सूडान, सूडान किस किन देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है? सूडान बाउंड्री साझा करता है मिस्र, ये है मिस्र, मिस्र के साथ बाउंड्री साझा करता है चाड, चाड के साथ, मिस्र हो गया, चाड हो गया, लीबिया, यहाँ पे ये लीबिया के साथ भी बाउंड्री साझा करता है, मिस्र, लीबिया, चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो कि अफ्रीका के सेंट्रल में है, इससे बाउंड्री साझा करता है। यहाँ पे दक्षिण सूडान, सूडान है, ये 2011 में अलग हुआ था। साउथ सूडान, इससे भी बाउंड्री साझा करता है सूडान, दक्षिण सूडान, और ये इथियोपिया हम देख ही चुके हैं, इथियोपिया, और ये है इरिट्रिया, इरिट्रिया, इन देशों के साथ ये बाउंड्री साझा करता है सूडान, इसलिए इसको, इसकी बाउंड्री का नाम भी याद होना जरूरी है। मिस्र, लीबिया, चाड, सेंट्रल रिपब्लिक अफ्रीका, साउथ सूडान,
इथियोपिया और इरिट्रिया के साथ सूडान बाउंड्री साझा करता है। अब देख लेते हैं मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की राजधानी है मापुटो। बढ़ते आतंकवाद की कृतियों के बीच भारत और मोजाम्बिक आतंकवाद रोधी प्रयासों को तेज करने तथा कट्टरपंथ को समाप्त करने के उपाय शुरू करने पर सहमत हुए हैं। मोजाम्बिक दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह 6 अन्य अफ्रीकी देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। इन देशों में शामिल हैं, मोजाम्बिक किन देशों के साथ सीमाएं साझा करता है? तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और इस्वातिनी। जाम्बेजी नदी सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी, ये याद रखिएगा, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। और अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है जाम्बेजी नदी, जो कि मोजाम्बिक में अवस्थित है। ये हिंद महासागर में गिरने वाली पहले मोजाम्बिक से भी प्रवाहित होती है। लिम्पोपो नदी हिंद महासागर में गिरने से पहले मोजाम्बिक से भी प्रभावित से मोजाम्बिक चैनल से भी प्रवाहित होती है। कौन? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी याद रखना है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन। ये 8th यूनिट है। इसमें हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस।